चलिए आज प्रारंभ करते हैं एक बड़ी घटना, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे क्रूरतम, सबसे क्रूरतम समय था ये। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, जिसे महायुद्ध या सर्वात्रिक युद्ध की संज्ञा दी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध भी एक सर्वात्रिक युद्ध ही था, सर्वात्रिक युद्ध या महायुद्ध, इसकी संज्ञा भी इसे दी जाती है। तो पूरे घटनाक्रम को पहले समझना है, हुआ क्या, कैसे हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसको बाद में मैं लिखवाऊंगा। प्रथम विश्व युद्ध एक घटना घटी थी, एक ये घटना समाप्त हुई 1919 में, यह घटना प्रारंभ हुई 1939 में। महज 20 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि फिर से यूरोप के देश एक दूसरे के सामने आ गए। यूरोप ही नहीं वरन विश्व, एशिया भी जुड़ा, अमेरिका भी जुड़ा। एशिया से जापान था और जापान के अलावा अन्य औपनिवेशिक जिनको यूरोपियों ने अपने कब्जे में कर रखा था उनको भी उन्होंने झोंक दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध ये घटना 20 वर्षों में एक ऐसे तैयारी की कहानी है जो प्रथम विश्व युद्ध में पराजित देशों ने की। ठीक है, इसको बड़े आसानी से समझते हैं। चाहे प्रथम विश्व युद्ध रहा हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध रहा हो, जब युद्ध होता है तो गुट दो ही होते हैं। युद्ध में तीसरा गुट भी होता है लेकिन आम तौर पर दो गुट ही देखने को मिलते हैं। तीसरा गुट तटस्थ लोगों का हो सकता है या फिर वो भी सक्रिय लोगों का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी दो गुट देखने को मिलते हैं। अब ये दो गुट बने कैसे, मैंने प्रथम विश्व युद्ध के सिनेरियो को बहुत अच्छे से समझाते हुए आपको बताया कि कंडीशंस यहाँ तक पहुँच गई कि जो पराजित देश थे, पराजित या विजित, इटली विजित में था लेकिन बाद में पराजित के साथ जुड़ गया, जर्मनी, इटली और जापान, एक गुट ये बनाए, ये लोग इन लोगों का लेकर आए, अब कैसे आए ये समझेंगे पहले। दूसरा गुट बना दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, मुख्य रूप से इन्हीं को पकड़ते हैं, तीन ही है। अमेरिका, अमेरिका बाद में आया, बहुत समय तक फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने तटस्थता की बात कही लेकिन तटस्थ ज़्यादा रह नहीं पाए, जापान ने उनको खींच लाया जापान। ठीक है, ये दो गुटों के बीच की लड़ाई है द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में क्या था सिनेरियो, प्रथम विश्व युद्ध में भी एक तरफ जर्मनी था, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया उसके साथ ही जुड़ा हुआ था, ऑस्ट्रिया जर्मनी एक साथ थे, हंगरी उसी के साथ जुड़ा था, बुल्गारिया एक तरफ जुड़ा हुआ था, है ना। इधर थे ब्रिटेन, थे फ्रांस, थे रूस, थे बाद में अमेरिका आ गया, तो इधर एक ऐसा सेक्शन करके बना था। वहाँ पर भी दो गुट थे, यहाँ पर भी दो गुट हैं। अब देखो जर्मनी के अपने पर्टिकुलर समझ सकते हैं, बहुत सारे रीजन रहे प्रथम विश्व युद्ध में। पहली बात पराजित हुआ, पराजित होने के बाद वर्साय की संधि झेलनी पड़ी उसे। ठीक है, वर्साय की संधि ने हिटलर को जन्म दे दिया, यहाँ पे एक ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति आ गया जो और समस्या का समाधान करने की जगह उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो वर्साय की संधि ने हिटलर को जन्म दिया। ठीक है, इसके बाद यानी एक तानाशाह का जन्म हुआ जर्मनी में जो प्रतिशोध लेना चाहता था और इसी के करतूत है, यही इसी ने ही सारा खेल किया। दूसरा इटली के साथ जो हुआ, इटली को इन गुटों ने, जो जीतने वाले गुट थे, इन्होंने कुछ नहीं दिया, परिणाम स्वरूप इससे बहुत सारे क्षेत्र और द्वीप छीन लिए गए। यहाँ पर मुसोलिनी जैसा व्यक्ति आ गया, यह भी विस्तारवादी था, साम्राज्यवादी था और यदि मोटी तौर पर समझें तो ये रोमन कैथोलिक साम्राज्य की फिर से स्थापना करना चाहता था। जैसे कि पवित्र रोमन साम्राज्य पहले इटली में शासन किया करता था प्राचीन काल में, यह चाहता था कि इटली का वही प्रादुर्भाव फिर हो जाए, यानी इटली को एक महाशक्ति मुसोलिनी बनाना चाहता था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। जापान में यहाँ पर जो शासक था वो था तेजो, ये भी एक तरीके का तेजो, एक तरीके का साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रेरित था। इसको भी चूंकि जापान में औद्योगीकरण हुआ 1898 में, 1895 से गति तेज हुई और औद्योगीकरण हुआ, तो इसको भी वैश्विक पूरे विश्व में साम्राज्य चाहिए थे बाजार के रूप में। ठीक है, ऐसे ही स्पेन वाले क्षेत्र में,
स्पेन वाले क्षेत्र में भी एक तानाशाह का, तो तानाशाहों का जन्म हुआ एक, तो ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो क्या था, इनकी कुछ जिम्मेदारी बनती थी प्रथम विश्वयुद्ध के बाद, इनकी जिम्मेदारी बनती भी थी और ये चाहते तो विश्वयुद्ध आगे हो भी नहीं पाता। इन्होंने एक संघ भी बनाया, राष्ट्र संघ, लेकिन वो भी जा करके विलीन ही हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा। प्रथम विश्वयुद्ध की जो घटना है, अब देखो यहाँ पे अब थोड़ा समझते हैं सिनेरियो क्या है। जर्मनी में जब हिटलर आया तो रूस में जो साम्यवाद पनप रहा था, स्टालिन था उस समय, तो रूस का साम्यवाद का विरोधी था, मुसोलिनी भी साम्यवाद का विरोधी था। ठीक है, रूस में जो साम्यवाद पनप रहा था उसके दोनों विरोधी थे, इटली और जर्मनी। ठीक है, ब्रिटेन को यह लग रहा था कि जर्मनी की मार्केट को जो है ना, यहाँ की बाजार को एक बार विकसित किया जाए, लेकिन विकसित करने का लक्ष्य दो थे। पहला लक्ष्य था कि एक तरीके से ये काम करेगा रूस के खिलाफ, साम्यवाद को रोकेगा, पूंजीवाद का विस्तार होगा। दूसरा, मेरी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक महामंदी का दौर गुजरा है उससे मैं शायद बच जाऊं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे अपने हित थे, एक अपने हितों को लेकर के इसका डेवलपमेंट करना तो चाहता था, लेकिन इटली के साथ भी इसके कुछ हित थे। इटली के साथ ये थे कि चूंकि भूमध्य सागर के क्षेत्र में इटली अवस्थित था, तो चाहता था कि पूर्वी एशिया के जितने भी मेरे उपनिवेश हैं वहाँ पर इटली के साथ यदि मैं संबंध बना लूँगा तो शायद वो बच जाए यहाँ पर चीज़ें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी इटली की, मैं आगे अभी चीज़ें एक एक करके समझाऊँगा। फ्रांस चूँकि खुद में परेशान था, फ्रांस बहुत ज़्यादा, इसके पास बहुत अच्छी आर्मी भी नहीं थी। द्वितीय विश्वयुद्ध में फ्रांस बहुत कमज़ोर भी रहा, कई बार पराजित हुआ, पराजित क्यों हुआ, बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ। कई बार तो फ्रांस ने ब्रिटेन को खत भी लिखे कि हमारी सेना पूरी बैकफुट में आ चुकी है। कारण भी था, आधुनिकीकरण हुआ था लेकिन इतने बड़े स्तर का नहीं हुआ था। मैं आपको यदि सही तरीके से बताऊँ तो एक तरीके से जो द्वितीय विश्वयुद्ध लड़ा गया, इस युद्ध में भी मोटर व्हीकल ऑटोमोबाइल सेक्टर का इतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो फौज अभी भी घोड़ों में जाती थी। द्वितीय विश्वयुद्ध की जो फौजें हैं ये घोड़ों में जाती थी, साइकिल में जाती थी, या फिर परिवहन सुविधा बहुत, इनकी तो बहुत बुरी थी फ्रांसीसियों की। फ्रांस ने पूरी सेना जो है घोड़ों में भेजी थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, और इसके अलावा ना इनके पास बहुत अच्छी वायुसेना थी, वायुसेना ब्रिटेन की बहुत अच्छी थी, इसके पास बहुत अच्छी सेना थी, जिसके विपक्ष में इसने जर्मनी ने भी एक वायुसेना डेवलप की थी। इसके पास थल सेना भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो ओवरऑल सैन्य प्रवृत्तियों के रूप में देखें तो भी ज़्यादा विकसित नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी आकांक्षाएं थी। इसको जर्मनी का काफ़ी क्षेत्र मिला, बाद में इसे देना भी पड़ा बहुत सारे नेगोशिएशन करने के बाद। ठीक है, जापान को सह दे रहा था, जर्मनी ने भी बाद में सह दिया, इटली ने भी सह दिया, और वो खुद भी शांत नहीं हो रहा था। रसिया से उसके बहुत सारे विवाद चल रहे थे, चाइना से विवाद चल रहे थे, चीन प्रशांत महासागर को कैप्चर करना चाहता था जापान। ठीक है, प्रशांत महासागर में जितने भी द्वीप थे, चाहे फिलीपींस रहा हो, चाहे इंडोनेशिया रहा हो, इंडोनेशिया में तो डस थे उस समय, लेकिन इंडोनेशिया भी गया, ये वियतनाम रहा हो, ठीक है, चाहे लाओस रहा हो, चाहे इंडो चीन बोलते हैं इस पूरे क्षेत्र को, इंडो चीन वाला क्षेत्र रहा हो, तो सभी क्षेत्रों पर ये कैप्चर करना चाहता था। इसको चाहिए थी मार्केट। ठीक है, तो अपने अपने हित थे। अब यहाँ पे बड़े आसानी से एक शब्द, एक चीज़ ये निकल के आ रही कि यहाँ पर सब अपने अपने हितों को लेकर के काम कर रहे हैं। ये अपना हित, 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 यहाँ पे किसी को परवाह नहीं है। अमेरिका भी वैश्विक आर्थिक मंदी में शुरुआत में थोड़ा सहयोगी बना, लेकिन बाद में उस मुद्दे को उसने अपने पक्ष में ही कर लिया, वैश्विक आर्थिक मंदी को अपने उसने अपने डेवलपमेंट के रूप में यूज किया। तो अमेरिका भी कोई बहुत बड़ा इसने भी काम नहीं किया। ठीक है, वैश्विक आर्थिक मंदी ने सबकी अर्थव्यवस्था को वैसे ही चरमरा दिया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। अब देखो समझते हैं शुरुआत कैसे हुई, द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू कैसे हो गया, क्या हुआ गया। जब प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त हुआ, वर्साय की संधि हुई, तो क्या किया गया, जर्मनी का जो क्षेत्र था, जर्मनी के बगल पे ही था पोलैंड। यहाँ पर कई बार पोलैंड, चूंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी होगा कि जब नाजीवाद हम पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि पोलैंड से हिटलर ने अनाक्रामक संधि की थी एक बार, ठीक है, कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पहले फ्रांस वाले क्षेत्र पे काम करना था। पोलैंड को समुद्र तक जाने के लिए जर्मनी से एक रास्ता दे दिया गया था, डेजिंग गलियारा बोलते थे इसे, जगह थी डेजिंग। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया गया था कि जर्मनी दो भागों में बट जाए, विभाजित हो जाए, जर्मनी का एक हिस्सा दूसरा हिस्सा। पोलैंड को समुद्र से जोड़ने के लिए एक डेजिंग गलियारा दे दिया गया। ठीक है, हाँ हाँ,
ठीक है, तो डेजिंग से, हाँ, बाल्टिक सागर में ही। अब इसको जब पोलैंड से ये एरिया दिया गया, तो कहीं ना कहीं पे हिटलर चाहता था कि एरिया उसे मिले। अब देखो, हिटलर ने इससे पहले बहुत सारी घटिया की। एक चेकोस्लोवाकिया, चेक गणराज्य वाले क्षेत्र को उसको उसने कैप्चर किया, म्यूनिक समझौता हुआ, अंततोगत्तो वो जीता। और भी उसकी विस्तारवादी नीति यानी मध्य यूरोप को खा चुका था, ऑस्ट्रिया को अपने संघ में मिला चुका था, ऑस्ट्रिया जर्मनी का हिस्सा बन चुका था, ठीक है। तो उसको लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। उसने अपनी सेना डेजिंग में भेजी, पहले पोलैंड से बोला कि भाई ऐसा करो, ये गलियारा सौंप दो। पोलैंड ने सोचा कि कुछ नहीं होगा, पोलैंड ने नहीं दिया, वो भी क्यों देता पोलैंड। अब देखो, यहाँ पर जर्मनी, हिटलर को ये नहीं लग रहा था कि ये बड़ी छोटी तुच्छ चीज़ है। मैंने इतने बड़े बड़े क्षेत्रों को कैप्चर किया, ऑस्ट्रिया को अपने पास मिला लिया, चेकोस्लोवाकिया वाले मुद्दे में ब्रिटेन और फ्रांस कुछ नहीं बोले, तो इस पर यदि मैं कुछ करूँगा तो कुछ नहीं बोलेंगे। उसको कभी ये नहीं था कि ब्रिटेन और फ्रांस आ जाएंगे इस मुद्दे को लेकर के, इतना आसानवित था वो। तो उसने यहाँ पर कार्रवाई कर दी, सैन्य कार्रवाई यहाँ पर कर दी, ठीक है। पहला गोला द्वितीय विश्व युद्ध का डेजिंग गलियारे पे ही, ठीक है। अब जब ये हुआ तो तुरंत ही रातों रात, सितंबर की घटना है, सितंबर 1947 को रातों रात ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने बैठक बुलाई, आपातकालीन बैठक बुलाई, और ब्रिटेन के राजदूत ने बर्लिन में जा करके हिटलर को युद्ध पत्र पकड़ा दिया कि भाई ब्रिटेन अब आपके खिलाफ युद्ध करेगा। एक दिन बाद जो है फ्रांस भी पहुंच गया, फ्रांस के राजदूत भी पहुंच गए कि भाई साहब अब हमारे आप शत्रु हैं। हिटलर अचंभित रह गया कि कैसे हो गया रातों रात इतने छोटे से मुद्दे पर, क्योंकि पोलैंड से संधियां भी थी उनकी, पोलैंड से संधियां भी थी। दूसरा, वो भी लग रहा था कि ये फिर अनावश्यक विस्तार हो रहा है, ठीक है। उसे लग रहा था कि इधर पहले इस क्षेत्र को, वैसे देखा जाए तो हिटलर चाहता ही नहीं था कि पोलैंड अलग देश बने, वो पूरा पोलैंड कैप्चर करना चाहता था। डेजिंग गलियारा तो उसकी शुरुआत थी, उसकी जो पॉलिसी थी पूरे पोलैंड को अपने कैप्चर में लेना था, ठीक है। तो ये समझ रहे थे, इनको लग रहा था कि इधर ये वाले क्षेत्र को, और देखो एक चीज और समझो, वो चाहता था, हिटलर ये चाहता था कि पोलैंड को कैप्चर करके अपनी बॉर्डर्स रसिया के साथ लगा ले, वो रूस के साथ, क्योंकि अगला नंबर रूस का था, समझ रहे, ठीक है। और रूस को लग रहा था कि ये पोलैंड को ले रहा है, इधर से रूस ने भी आक्रमण किया था पोलैंड पे द्वितीय विश्व युद्ध में, रूस भी इधर कैप्चर करना चालू कर देगा इस एरिया को, आधा पोलैंड वो ले जाता है रसिया, आधा पोलैंड जर्मनी ले जाता है, और अंत में दोनों की बॉर्डर एक साथ साझा हो जाती है। यहीं पे थोड़ा हिटलर से चूक भी होती है, और कहे तो हिटलर की एक पॉलिसी थी, एक नीति थी, वो बॉर्डर साझा करवा भी देता है, तभी तो रसिया पे आक्रमण करेगा, ठीक है। तो अलग इशू है, वो आगे की घटना है। तो शुरुआत जो हुई डेजिंग गलियारे को लेकर के हुई, ठीक है। बाकी के देश संधियों में बटे हुए थे, इधर से ब्रिटेन आया, दो चार दिन बाद फ्रांस चलाया, क्योंकि फ्रांस को, फ्रांस की बॉर्डर भी इधर साझा हो रही थी। अब ये युद्ध रुक नहीं सकता था, हिटलर चूंकि उसने ऐसे कमिटमेंट्स कर रखा था कि वो पीछे नहीं लौट सकता था, उसके कमिटमेंट्स अब उसको बारी भी हो रहे थे, और वो जर्मनी को वापस लौटाना भी नहीं चाहता था। अंतोगत्ता युद्ध का आगाज हो गया। शुरुआत में जर्मनी प्रभावी दिखता, जीतना प्रारंभ कर दिया, बेल्जियम वाले क्षेत्र को उसने, इधर से बेल्जियम पहुंचा, बेल्जियम से बड़े स्तर पर लाओस्क आता था, ठीक है, लाओस्क क्षेत्र को उसने कैप्चर कर लिया था। तो कहीं ना कहीं पे जर्मनी काफ़ी कॉन्फिडेंस में था, उसकी सारी पॉलिसियां धीरे 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 इंप्लीमेंट हो रही थी, और उस पर वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। कालांतर में इटली भी इसके साथ जुड़ गया, मुसोलिनी, ठीक है। फिर उधर से जापान आ गया, जापान ने गलती कर दी, सोते शेर को जगा दिया, है ना। और इसके बाद धीरे 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 सारे बैकफुट में आते गए, काफ़ी लंबा चला, 6 साल की कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध की। 6 साल तक बस कुछ नहीं होता था, सेनाएं एक दूसरे को ढूंढती थीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मार और काट की कहानी है और कुछ नहीं। कूटनीतियाँ चल रही हैं, कौन, कभी वायुसेना जा रही है, कभी थल सेना जा रही है, कभी छिटपुट युद्ध हो रहे हैं, कभी युद्धों का स्वरूप बड़ा हो जा रहा है। तो 6 साल तक ये समझ लीजिए, ये देश आपस में, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र आपस में युद्धरत थे, एक दूसरे की सेनाओं को टारगेट करते थे। एक ऐसा विश्व युद्ध, मैंने तो बताया कितने मरे थे प्रथम विश्व युद्ध में, 80 लाख, 5 करोड़ लोग द्वितीय विश्व युद्ध में मरे, जिसमें ज़्यादातर लोग नागरिक थे, ठीक है। संख्या जस्ट कितनी हो गई, ओवरऑल देखा जाए तो 6 गुना लोग, ज़्यादा लोग इसमें मरते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी दुर्दांत कहानी है। पुरुषों की संख्या अचानक यहाँ पर भी काफ़ी कम हो जाती है यूरोप में। महिलाओं के साथ बहुत बुरी स्थिति थी, उनके साथ दो दिक्कतें थीं, एक तो पति गया,
दूसरा घर में बच्चों को भी बचाना है, मवेशी होते, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी कभी इस पे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, नेशनल ज्योग्राफी ने बनाया है, कभी देखिएगा आप तो आप खुद समझेंगे कि कुछ नहीं हो रहा। या फिर एक फ्यूरी ना करके एक मूवी बनी हॉलीवुड की, है ना, देखा है किसी ने फ्यूरी? देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा, चलो कभी देखना यदि टाइम मिले तो। उसमें भी कुछ नहीं, जर्मन अमेरिकन सेना जर्मनी जाती है, कुछ नहीं कर रहा है, बस एक दूसरे की सेनाओं को टारगेट कर रहे हैं, मार रहे हैं और चल रहा है अंत तक। सैनिक का क्या होता है? सैनिक को तो अपने राष्ट्र के लिए मरना ही है, सैनिक के दिमाग में और कुछ नहीं होता है। उसको ये है कि मेरी सरकार ने मुझे भेजा इस काम के लिए, चुना है इस काम के लिए, और तब तक लड़ता रहता है जब तक मर नहीं जाता। उसको ये मतलब नहीं कि ये इथिकल है नॉन इथिकल है, इथिकल है नॉन इथिकल है। उसे बच्चा मिल जाए, बूढ़ा मिल जाए, मारना है तो मारना है। और यही चलता रहा, लंबा समय तक चला। ब्रिटेन ने, विंस्टन चर्चिल आ गए थे, चर्चिल बोल रहे थे कि भाई कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशंस में हो जाए, हम वापस नहीं लौटेंगे इस युद्ध से। हम चाहते तो हैं लेकिन अब तब इस युद्ध को ख़त्म करेंगे जब जर्मनी की ताकत पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, अब हम जर्मनी को दोबारा बाउंस बैक करने का मौका नहीं देंगे। तो ब्रिटेन वापस नहीं हटना चाहता था, अमेरिका को जापान खींच लाया था। इधर धीरे 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 हालत ख़राब हो चुकी थी लास्ट में सबकी, हिटलर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हिटलर के, एक तो हिटलर के साथ दिक्कत भी थी थोड़ा सा, बाद में लास्ट मोमेंट में उसके जो सैनिक थे उसकी सुनने भी नहीं लगे थे, जो सेना के कमांडर्स थे, लास्ट जो अंतिम मोमेंट में आता है तो उसकी बातें भी नहीं मानी जा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने समझौता करना शुरू कर दिया रसिया से, समझौता, गलती रसिया में की। रसिया में यदि युद्ध नहीं करता हिटलर तो शायद उसके पक्ष में बहुत सारी बातें रहती, रूस को जो उसने छेड़ दिया वहीं से फिर वो पराजित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको बड़े क्रमबद्धता से समझते लिखते हैं, पहले सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण समझेंगे कि क्या कारण रहे, ठीक है, क्यों हुआ ये। बहुत आसानी से आपको वैसे लगभग सब पता है, सारे भी जिसके प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई संधियों पर निहित हैं, उसके बाद की कुछ घटनाओं पे। तो 20 साल की अवधि में ऐसा क्या हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया। फिर इसके बाद कारण के बाद युद्ध में कौन कौन से गुट थे, इतने समय तक चला, मैं एक एक फाइट तो आपको बताऊंगा नहीं, है ना, कि ऐसे फाइट हुई है वो सब, वो इतना ज़रूरी भी नहीं, ना कभी पूछता है। इसके बाद परिणाम क्या हुए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद क्या हुआ। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि पूरा विश्व शांत हो जाएगा, अब तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद घटना और भी खतरनाक हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये था कि अब द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये हुआ कि अब सारे देश एक दूसरे से क्या हो गए, अविश्वास हो गया एक दूसरे पे, कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता था। उन्हें लग गया कि फिर जो पराजित हुए हैं या फिर जो कमज़ोर हुए हैं फिर ऊपर उठ के आएंगे, फिर दिक्कत होंगे, कोल्ड वार चालू हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनती तो हैं, बड़ी मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनती हैं, लेकिन शीत युद्ध जो समय था वो बहुत भयानक था। विश्व युद्ध की जैसी ही स्थिति परिस्थिति बनी, शीत युद्ध यह है कि एक लंबी अवधि तक, कितनी लंबी, 1945 से लेकर 1990 अवधि तक ये लग रहा था कि अभी युद्ध हो जाएगा, अभी युद्ध हो जाएगा, अभी युद्ध हो जाएगा, अभी युद्ध हो जाएगा, यानी युद्ध हुआ नहीं लेकिन युद्ध की संभावना, मरे तो नहीं लेकिन डेली ये लग रहा कि कल मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, कर्म कोल्ड मार ही है और कुछ नहीं। शीत युद्ध मतलब ठंडा युद्ध है ना, युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा लेकिन युद्ध होने की परिस्थितियां बनी हुई है, तनाव बना हुआ है आपस में, ऐसे कमेंट्स पास किए जा रहे हैं एक दूसरे को, बड़े बड़े अस्त्रों को इकट्ठा किया जा रहा है, वो सारी कहानी फिर चालू हो जाती है। तो कोई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा मानते हैं हमें, फिर छिटपुट घटनाएं चालू होती हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई इस समय, चाहे इंडो चीन का मामला रहा हो, वियतनाम का मामला रहा हो, चाहे कोरियाई संकट रहा हो, बहुत सारे मामले थे, लेकिन इसमें यूनाइटेड नेशन एक बड़ी भूमिका लेकर के निकला। संयुक्त राष्ट्र संघ जो आज जिंदा है और जिसने अपने आप को पूर्व पी किया है, वो संस्था इतना प्रभावी तरीके से कारगर रूप से काम किया कि इस मुद्दे को काफ़ी समय तक, आज तक तीसरे विश्व तक पूरा विश्व नहीं पहुंचा है। लेकिन अब इतनी सामग्री इकट्ठा कर ली है हमने कि अब यदि तृतीय विश्व युद्ध होता है, अब देश यदि कूदते हैं, ठीक है, अच्छा चलो एक बहुत आईआर में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी, कूटनीति क्या होती है बताओ, डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, कूटनीति क्या है, कूटनीति कहते किसे हैं, डेफिनेशन क्या है कूटनीति की? सर कूटनीति ये है कि जब हम सामने फ्रंट पे कोई काम ना दिखाते हुए पर्दे के पीछे अपनी बात रखते हैं, करते हैं, उसे कूटनीति बोलते हैं। सर अपने तर्क से सामने वाले को पास कर देते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक ये है कि कुछ नहीं तो भाव समझ रहे हैं कूटनीति का आप। कूटनीति का मतलब मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, कूटनीति कुछ नहीं सिर्फ ये है, अपने
राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी दूसरे राष्ट्र के नीति को चेंज कर देना, परिवर्तित कर देना, अपने राष्ट्र की नीति के पक्ष में किसी दूसरे राष्ट्र की नीति को परिवर्तित कर देना, ये कूटनीति कहलाती है। समझ रहे मेरी बात? सिंपल और आसान भाषा में, अपने राष्ट्र के हितों की प्राप्ति के लिए कुछ ऐसा दबाव बना देना अंतर्राष्ट्रीय जगत में या किसी भी तरीके से कि सामने वाला अपनी पॉलिसी चेंज करने के लिए विवश हो जाए, हमारे पक्ष में पॉलिसी बना दे, इसे कूटनीति कहते हैं। किसी भी परिपेक्ष में हो सकती है, आपकी, मेरे, आप दोनों, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कूटनीतिक हो सकते हैं। राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यहाँ पे राष्ट्रीय आएगा, आईआर की बात हो रही है ना, विश्व युद्ध की बात, यहाँ राष्ट्र आएगा, कहीं पर भी कूटनीति हो सकती है। तो डिप्लोमेटिक इरा चालू हुआ 1945 के बाद, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध आप पढ़ते हो वो क्या है? डिप्लोमेसी है। हर देश अब युद्ध नहीं करना चाहता, कूटनीति करना चाहता है। उसको ये बात समझ में आ गई कि युद्ध से कोई रिजल्ट नहीं निकला, दो हो गए, कुछ नहीं पता चला, मार धाड़ बस इतना हुई, अंत में जाकर ट्रीटी के लिए बैठ गए हम, ठीक है। तो जब ट्रीटी में ही बैठना है तो उसके बाद ही कूटनीति निकल के आती है। वैसे शुरुआत बिस्मार्क ने किया था, बिस्मार्क ने कई बार युद्धों को रोका है कूटनीति के बल पर, नहीं तो उसी समय बहुत सारे युद्ध होने शुरू हो जाते। लेकिन वो कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करता था कि अपने पक्ष में सबको ले लेता था, बाद में युद्ध खुद करता था, ठीक है। लेकिन वो बात दुनिया समझ नहीं पाई, विश्व युद्धों के बाद समझ गई, उसको पता चल गया कि युद्ध की जगह कूटनीति से काम लेना चाहिए। जैसे अभी ये पूरा मामला आप देखे, पुलवामा अटैक हुआ, सब कुछ हुआ, युद्ध अच्छा विकल्प नहीं था, बहुत बढ़िया हुआ कि युद्ध से कुछ मिलने वाला भी नहीं था, क्या हासिल होता, कुछ नहीं। मामला है कूटनीति का। 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समस्या ने कूटनीति को बल प्रदान कर दिया, बता दिया कि हाँ कूटनीति सब कुछ हो सकती है, ठीक है। तो चलो एक एक करके इसे समझेंगे, लिखेंगे, हेडिंग डालना है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार लिखे। सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध के, कारणों तथा परिस्थितियों पर गौर किया जाए, के कारणों एवं परिस्थितियों पर गौर किया जाए, कारणों एवं परिस्थितियों पर गौर किया जाए तो ज्ञात होता है कि, यह प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात घटित हुए, इन्होंने ऐसे हेडिंग डाला है, कॉपी पे युद्ध हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात घटित हुए विभिन्न घटनाओं के घात प्रतिघात का परिणाम था, जब कभी आपका कभी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, लड़ाई इस हद तक चले जाए कि हिंसा पे उतारू हो जाओ, पहली बार में मान लो आप पीट दिए, वो पिट गया, तो समझ लो दूसरा जरूर होगा, दूसरे के बाद प्रॉपर संधि होगी। पहले में नहीं समझ में आता, पहले में एक पक्ष हारता है, दूसरा पराजित होता है, दूसरा दोबारा फिर होता है, फिर उसमें क्लियर हो जाता है कि भाई लड़ाई से कुछ नहीं मिलने वाला, बात ही चीज़ ठीक थी, है ना, एक बार और पिटना होता है, ठीक है। तो एक लड़ाई के बाद ये पक्का होता है कि दूसरी पक्का होगी, पुलिस बुला लो चाहे जो बुला लो, वो तो मारेगा, ठीक है, नहीं मार पाएगा तो बागी बन जाएगा, ठीक है, नहीं बागी मिलेगा तो वो फिर रंजिश हो जाती है, रंजिश बड़ी लंबी चलती है, रंजिश इतनी लंबी चलती है कि कई पीढ़ियों तक चलती है, एक पीढ़ी का बदला दूसरा पीढ़ी लेती है, तो दूसरा विश्व युद्ध तो होगा ही, ये तो पक्का है, क्यों अनिल जी, किसी से रंजिश कभी लड़ाई लड़ो ही नहीं, कोई पेड़ दे तो द्वितीय विश्व युद्ध के चक्कर में भी मत पड़ो, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। आगे घात प्रतिघात का परिणाम था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध
प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य, प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य, प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य वंचित देशों के प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य वंचित देशों के राष्ट्रवादी उफान किसने पुलिस बुलाई, राष्ट्रवादी उफान दंडित देशों में प्रतिघात की लालसा दंडित देश से चाह रहे थे कि हम बदला लेंगे, प्रतिघात की लालसा, राष्ट्रसंघ की असफलता पश्चिमी शक्तियों की दोहरी नीति तथा आर्थिक संकट आदि ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिससे संपूर्ण विश्व उस दोराहे पर आ खड़ा हुआ जहां युद्ध की राह अधिक स्पष्ट दिख रही थी युद्ध की राह अधिक स्पष्ट दिख रही थी। इस युद्ध के पीछे कारणों को निम्नांकित बिंदुओं के तहत समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, नंबर एक, वर्साय की संधि की त्रुटियां। हाँ, हेडिंग है वर्साय की संधि की त्रुटियां। ये बात सुनते ही समझ में आ गई होगी क्या घटना हुई थी इसमें। ये तो खूब अच्छे से अलग से ही मैंने पूरी संधि पढ़ाई है ना। एक घनघोर अन्याय हुआ था इस संधि के माध्यम से। देखो, जब कभी भी लड़ाई झगड़ा हो और उसमें जीतो तो विनम्र बन जाओ जीतने के बाद। हाथ जोड़ लो कि भाई देखो, तुमने कहा था तभी पीटना पड़ा मुझे, मैं मारना नहीं चाहता था। यदि थोड़ा सा भी उससे अकड़े कि कूट गए ना, तो फिर अगली बार पक्का कूटेगा वो, है ना। तो इन देशों को विनम्र हो जाना चाहिए था कि यार ठीक है, आपने शुरू किया था, अब हम इसको जो है मामले को शांत कर रहे हैं, अब इस पर जो है आपको जो रियायतें, अब इन्होंने सोचा हरा एक बार जब सांप पैर से दब जाए, है ना, हाँ पूरा मार देना चाहिए। सांप भी समझता है कि हो सकता है धोखा हुआ हो, ठीक है, लेकिन पता चला इतना आपका कम से कम इन्होंने इसको कुचला, ठीक है। कुचलने के बाद जब ये बच गया तब इसको तिल तिल करके मार रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, वर्साय की संधि से बोले मारेंगे पक्का, छोड़ेंगे नहीं, इसको तिल तिल करके मार रहे हैं, जिसमें ये बच गया। फिर से प्रभावी बोला सेना नहीं बना सकते। वर्साय की संधि क्या थी? जर्मनी अपने पास सेना नहीं रखेगा, जर्मनी अपने प्रदेशों को लीज में रख देगा, सामूहिक उपभोग किया जाएगा, जर्मनी अपने क्षेत्रों को फ्रांस को रख दे देगा, जर्मनी समझा ही नहीं गया। तो जब इतने सारी चीज़ें इसके ऊपर लाद देंगे तो कोई आदमी है ये भी, है ना, हिटलर जैसा व्यक्ति इसी कारण से आया और उसने सारी चीज़ें तोड़ के रख दी। लिखिए, माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध
माना जाता है कि प्रथम विश्वयुद्ध में ही द्वितीय विश्वयुद्ध के बीच वर्साय की संधि में ही छुपे थे। बीज वर्साय की संधि में ही छुपे थे। इस युद्ध में पराजित पक्षों ने इस युद्ध में पराजित पक्षों के मध्य घनघोर अन्याय किया गया था। इस संधि ने जर्मनी पर अनेक कठोर प्रतिबंध लादे थे। जिसकी वजह से जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना को ठेस पहुंची। वहीं उसकी आर्थिक स्थिति तथा सैन्य क्षमता लगभग नष्ट हो गई। जर्मनी के एल्सस लॉरेन प्रांत को तथा सेल्सविक क्षेत्र को छीन लिया गया तथा जर्मनी को लगभग दो भागों में चीरते हुए पोलैंड को समुद्र तक पहुंचने का गलियारा दे दिया गया था। उससे सार तथा राइन क्षेत्र छीन लिए गए थे। उसका निशस्त्रीकरण कर दिया गया था। जर्मनी के सारे उपनिवेशों को छीन लिया गया था। जर्मनी की धरती पर विदेशी सेनाओं को स्थापित कर दिया गया था। दूसरी तरफ इटली जो कि मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ा था उसे युद्ध का पर्याप्त लाभ नहीं दिया गया। उसे
युद्ध का पर्याप्त लाभ नहीं दिया गया था। व्यापक जनधन की हानि होने के बावजूद अतः व्यापक जनधन की हानि होने के बावजूद अपेक्षित लाभ नहीं मिलने से ऐसे राष्ट्रों में वर्साय की संधि को पलटने का भाव जिंदा था अर्थात वर्साय की संधि मात्र 20 वर्षों का ही विराम था वर्साय की संधि ने जर्मनी में हिटलर तथा इटली में मुसोलिनी जैसे तानाशाहों के उत्थान में सहायता प्रदान की यह हो गई वर्साय की संधि, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए। यदि ये नहीं होती तो संभावना बहुत कम थी। दूसरी बात, अगला राष्ट्रसंघ की असफलता। अगली हेडिंग है राष्ट्रसंघ की असफलता। दूसरे मनमोहन सिंह, राष्ट्रसंघ की असफलता। मनमोहन सिंह को गलत अर्थों मत लीजिएगा, ठीक है। शांत खड़ा रहा, मूक दर्शक रहा, ठीक है। हम जो भी करते हैं, हाँ बिल्कुल, और क्या, चुप रहना अच्छी कला होती है, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। हाँ, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है ना, बहुत विचारधारा के लोग आपको परेशान कर देते। मनमोहन सिंह इस बात को जानते थे, वो सही थे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, देखो ये नहीं है, ये ध्यान रखना है, बोलना कहाँ है ये ध्यान रखना, वही तो मैं सिखा रहा हूँ, कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना, ये बहुत जरूरी। किन विषयों पर बोलना है, किस पर नहीं बोलना। देखो कभी भी राजनीति की बातें करके आप तटस्थ नहीं रह सकते हो। अमेरिका जैसा एक डेमोक्रेटिक कंट्री, यदि विषय है तो थोड़ा समझा देता हूँ, अमेरिका जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक मेच्योर डेमोक्रेसी, विश्व की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, जिसको अपने आप पे गर्व, शिक्षित डेमोक्रेसी। हम तो अशिक्षित डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र जरूर, लेकिन लोकतंत्र के नाम पे भीड़ तंत्र ही है यहाँ पे। अभी यहाँ लोकतंत्र नहीं, यहाँ पे तो एक लीडर के पीछे पूरा भीड़ भागता है। लोकतंत्र मतलब जनता का एक एक व्यक्ति विवेक पर काम करे, उसे लोकतंत्र कहते हैं। वहाँ भी जब लोग पैदा होते हैं तो या तो वो डेमोक्रेटिक होते हैं या तो वो रिपब्लिकन होते हैं पैदा होते ही। ऐसे ही फ्रांस में, ब्रिटेन में, या तो वो मजदूर पार्टी से होगा या तो अनुदार पार्टी से होगा, पैदा होते ही हो जाता है, या तो लिबरल है या तो लेबर पार्टी का सदस्य है। तो राजनीति तटस्थता का नाम ही नहीं है, राजनीति में कोई तटस्थ रहता ही नहीं है। तो इसलिए कभी इस विषय की हमें चर्चा ही नहीं करनी। राजनीति धर्म, धर्म में कभी कोई तटस्थ नहीं हो सकता है। राजनीति धर्म नाम मात्र की बात है, धर्म निरपेक्षता कहने मात्र भर की बात है, कभी इसका आदर्श रूप स्थापित हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति का अपने धर्म के प्रति झुकाव होना लाजमी है, स्वाभाविक है, ठीक है। राजनीति धर्म और ऐसे विषय जिन विषयों से आपके हित छुपे हों, जैसे रिजर्वेशन एक ऐसा विषय है, मुझे नहीं मिला तो मुझे दर्द होगा, आपको मिला है तो आपको दर्द होगा, आपको हटाने से दर्द होगा, मुझे लगाने से दर्द होगा। तो ये तीन विषयों पर कभी बहस ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा। मेरा ऐसा मानना है कि बीइंग ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, मुझे बोलना चाहिए इन बातों पे, ऐसा नहीं है कि मैं चुप हो जाऊँ उसके। लेकिन अगर कहीं मतलब जैसे मेरे क्लासमेट है, उन्हें दिक्कत होती है, तो फिर मेरा जरूरी हो जाता है बोलना, चुप बिल्कुल। आप, मैंने आपसे क्या बोला, कहाँ बोलना ये बहुत जरूरी है, किसके सामने बोलना ये चीज़ सीख लीजिए।
ठीक है, ये यदि आपके अंदर प्रतिभा नहीं है, आप किसी भी मंच पे जाकर के बोलना शुरू कर दें, तब तो आपका सम्मान नहीं किया जाएगा। आपके अंदर ये प्रतिभा होनी चाहिए कि इस मंच पर मेरा रिस्पेक्ट होगा कि नहीं होगा, इस व्यक्ति के सामने मेरा रिस्पेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये मेरी बातों को तटस्थता के साथ सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा, मैं इसकी बातों को तटस्थता के साथ सुन पाऊंगा कि नहीं सुन पाऊंगा, मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है या कूटनीति है कि मैं अपनी बात को इसके दिमाग तक पहुंचा पाऊंगा कि नहीं पहुंचा पाऊंगा, इसके अंदर इतनी क्वालिटी है कि मेरी बात अपने तक पहुंचा पाएगा कि नहीं पहुंचा पाएगा, ये सब क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। नहीं तो आपको लोग, ठीक है, आपको किसके सामने बोलना है, आपके अंदर भी ये प्रतिभा होनी चाहिए कि आप सामने वाले के ब्रेन को ही चेंज कर दें। एक अच्छा पॉलिटिशियन ही होता है। हिटलर के समय हिटलर ने पूरे देश को क्या किया, यहूदी विरोधी बना दिया। छोटी मोटी बात है, वो यहूदी जो वहाँ के पूंजीपति थे, वो यहूदी जिन्होंने उस अर्थव्यवस्था को पकड़ रखा था, वो यहूदी जो वहाँ के हाई क्लास सोसाइटी में बैठे थे, वो यहूदी जो वहाँ का प्रशासनिक तंत्र था, उन यहूदियों को उसने पूरा मरवा दिया, तो उसकी प्रतिभा थी। ठीक है, ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि सामने वाले को चेंज कर दें अपने विचारधारा से। क्यों 4, 6, 10, 15, 20, 50 लोग हैं, ठीक है, इसको भी डिप्लोमेसी होनी चाहिए। इसमें वक्ता, आपके अंदर वक्ता शैली का पूरा गेम चेंजिंग है। राजनीतिक क्या करते हैं, एक बड़ी भीड़ होती है हुजूम, जिसमें उसके विचारधारा के लोग भी नहीं होते, फिर भी वो अपने मन की बुलवा लेते हैं, उनकी क्वालिटी होती है। ऐसे इशू को ही वहाँ पे जाकर उठाते हैं कि वो इशू उनको डायरेक्टली फील कराएं, ठीक है, ऐसे इशू वो छुएंगे ही नहीं, उस विषय पर जाएंगे ही नहीं। तो कभी भी सामने वाले को मर्म को समझना चाहिए, समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैं मान लो मैं थोड़ी देर के मैं हिंदू धर्म से हूं, आप मुस्लिम धर्म से हैं, हम धार्मिक बातें आपस में कभी करेंगे ही नहीं, करेंगे भी तो वही तटस्थता के साथ करेंगे, तब आपकी फीलिंग मैं समझ पाऊंगा, मेरी आपकी समझ पाएंगे। यदि आकर के हम दोनों एक दूसरे से करने, एक दूसरे के विरोधी हो जाएं, तो यहां पे मंच गड़बड़ हो जाएगा। हम दूसरे विषयों पर बात कर सकते हैं, लेकिन इस विषय पर जैसे ही आएंगे तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि सामने कौन है, किससे कैसी बात करनी है। यदि मैं हिंदू और मेरे सामने हिंदू है, आप मुस्लिम है, आपके सामने मुस्लिम है, आप कैसे भी बात कर सकते हैं। आप हिंदू विरोधी बात कर सकते हैं, उसके साथ खूब अच्छी, आप मुस्लिम विरोधी बात कर सकते हैं, उसके सामने खूब अच्छी। यदि आप हिंदू और मुस्लिम आमने सामने हैं, तो आप धर्म का विषय उठाइए ही मत वहाँ पे, समझ रहे हैं। तो किसके सामने कौन सा विषय उठाना है, यदि आपके सामने एक धुर विरोधी बैठा हुआ है उसी पार्टी का, या आप कुछ ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपको देखना है कि किस पार्टी की बात करनी है। बुराई फिर किसी और की करो, कूटनीति सीखो। देखो यहाँ पे बहुत जरूरी है, इससे क्या होगा, आपकी बात उस मंच पे सुनी जा सकती है, नहीं तो आप उस मंच से विरोधी होकर के निष्कासित कर दिए जाओगे। साफ सीधी सी बात यही है, इसी को कहते हैं डिप्लोमेसी, इसी को कहते हैं। अब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने गए, पता चला वहाँ वामपंथी लोग बैठे हैं, दो जेएनयू से बैठे तो यहाँ से बैठे हैं, यदि वहाँ पे आप जैसे ही केंद्रीय विचारधारा के हुए, वैसे ही आपका गेम ओवर। आप जेएनयू, मैं जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम 2 बार 3 बार दिया, लास्ट टाइम में सेलेक्ट हुआ 2 बार। मुझे पहले बता दिया गया था कि भाई यहाँ पे केंद्रीय विचारधारा है, ठीक है, यहाँ पर आप यदि हिस्ट्री पे ही मैंने लिखा, देखो जैसे एक मैंने पहले हिंदी का दिया, हिंदी में दिया तो कबीर को ही लिखना था। अब कबीर को मुझे ऐसा दिखाना था कि वो वामपंथी आदमी है, उसने शोषक समाज के बारे में लिखा, मैं कबीर के उन पुटों को नहीं ला सकता था, या रामचरित मानस को ही मुझे दिखाना था तो मुझे ऐसा दिखाना था कि रामचरित मानस में भी रामायण का वो पक्ष, जो पक्ष हमेशा वामपंथी है। तो आपको सामने देखना पड़ेगा आप किस विचारधारा के सामने खड़े हैं, नहीं तो वो आपको रिजेक्ट कर देगी। बाद में हम जब इंटर कर जाएंगे तो अपनी डिप्लोमेसी खेलेंगे। ये सब पहले विश्वास, कॉन्फिडेंस में लो, पहले ही अविश्वास मत बना दो। इसको बोलते हैं बड़े स्तर का कम्युनिकेशन स्किल, ये डेवलप करना पड़ेगा आपको। अरे सामने वाला 1 सेकंड लाएगा, रिजेक्ट कर देगा, फिर क्या मतलब आपके ज्ञान का, क्या मतलब आपके स्तर का। पहले तो ये सीखो, बाद में ज्ञान दो। आप कितना भी फैक्ट के उससे बात करेंगे, समझ रहे हैं, वो फैक्ट नहीं समझेगा। शायद मेरी बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। कोई भी जो जिसको भी अपनी अपनी पॉलिसी के, जैसे घर पे है, घर पे आपको लगता है कि आपकी नहीं सुनी जाती, पहले आप उनको कॉन्फिडेंस पे लाइए, पहले उनके सुनेंगे तभी वो कॉन्फिडेंस पे भी आएंगे, फिर धीरे धीरे अपनी पॉलिसी, तभी होता है। आप डायरेक्टली यदि सोच लें तो भैया आज के समय में सब होशियार हैं, सब पढ़े लिखे, नहीं सुनेंगे आप बेवकूफ़, फिर वही हो गया ना, फिर हमारी और उसमें अंतर क्या रहा, हम पढ़े लिखे बेवकूफ हो गए, अनपढ़ बेवकूफ़ सही है, हम उसको कहते रहेंगे वो हमको कहता रहेगा कि चाहे ज़्यादा पढ़ लिखे, ठीक है। ये चीज़ समझना है, क्या बोलना है किसके सामने। अब जैसे ये हैं, इनके सामने मैं आरक्षण का इशू उठा दूं तो मुझे खा जाएंगे, तो मैं डिप्लोमेटिक खेलूँगा। यही स्किल है। अब आप ये मुझे उठाएंगे, मैं इनसे बहस ही नहीं करूँगा, मैं पक्ष में आ जाऊँगा या मैं उसके पॉजिटिव पक्ष दिखा दूँगा। कुछ समय हम कॉन्फिडेंस में आ गए एक दूसरे के, फिर साइड में किनारे जाके, ठीक है, फिर धीरे धीरे फिर उनसे चर्चा की, इसमें कुछ आपको लगता नहीं है, फिर यही खोलना चालू कर देंगे राज, दिल के राज अपने, समझ रहे हैं।
कि इसको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, आप डायरेक्टली खेलोगे कोई बेनिफिट नहीं है उसका, इस बात को दिमाग में बैठा लो। ठीक है, दलित समाज के बाहर गए आप आरक्षण विरोधी हो, जाकर के उनसे भाषणबाजी हो, 4 मिनट लेंगे आपको, शशि थरूर बना के भेज देंगे। ठीक है, कोई नहीं सुनता उनको। ठीक है, शशि थरूर के साथ क्या दिक्कत है, बड़ी अच्छी इंग्लिश है उनकी, इतने प्रतिभाशाली योग्य व्यक्ति हैं इंडिया में, वो जब जाते हैं इतना क्रिटिकल बोल जाते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता, कोई सुनता ही नहीं है, कोई इंटरव्यू लेने ही नहीं जाता, बहुत कम सुनते हैं इंडिया, वो फॉरेन में ज़्यादा बोलते हैं, आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे, कैम्ब्रिज में मिल जाएंगे, हार्वर्ड में मिल जाएंगे बोलते हुए, इंडिया के यूनिवर्सिटी में नहीं जाते। हाँ नहीं नहीं, ऑक्सफोर्ड में उन्होंने बहुत जो बोला वो बुराई नहीं थी। देखो फॉरेन के व्यक्ति क्या है ना, बड़े खुले विचारधारा के लोग होते हैं, यदि बुराई भी होती तो उनकी सुनी जाए, वो सुनते हैं, उस पक्ष को जानने का प्रयास करते हैं, उस पर रिसर्च कर, वो अंधभक्त नहीं है। मैंने बताया ना, वहाँ की मेच्योर डेमोक्रेसी है, मेच्योर डेमोक्रेसी। देखो एक चीज़ समझो, आज एक गवर्नमेंट है जो हमारे देश में है, हमारे देश में यदि गवर्नमेंट है तो हम क्वेश्चन मार्क किससे करें बताओ, सरकार से करेंगे, विपक्षी को पकड़े उठो भाई, जो गवर्नमेंट है उसी से तो क्वेश्चन करेंगे। साफ सीधी सी बात, राजनीति में आज क्या दिक्कत आ गई है, जिस पक्ष की पार्टी है उसका क्वेश्चन मार्क ना लगाओ। अरे भाई आपने काम किया, क्वेश्चन मार्क आप पे नहीं लगाए तो किस पे लगाए बताओ, हैं पकड़े राहुल गांधी को कि तुम इधर आओ, ये काम क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चन पूछना हमारा अधिकार है, हम लोकतंत्र में है, जो पार्टी की सरकार है उससे क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा, समझ रहे बात को। तो ये चीज़ सब सीख लो, सब लोग सीख लो, ये बहुत ज़रूरी है, यदि ये नहीं सीख पाए तो फिर लाइफ में रिजेक्ट कर दिया जाओगे आप, बहुत नॉलेजेबल होने के बाद भी आपके नॉलेज का तभी सही। अब मैं मान लो यहाँ से मान लो मस्जिद चला गया, वहाँ पर गया मैं, किसी पतंजलि चला गया, मैं चला गया यहीं पर हरिद्वार में, 50 जगह हैं, 50ों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, वहाँ पर जाके मुझे उन्हीं जैसे रंग में रंगना पड़ेगा कुछ समय के लिए, तब फिर मैं अपने विचारों को, अंग्रेजों ने क्या किया, पहले यहाँ पर आए, पहले यहाँ के रंग में रंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, फिर अपनी विचारधारा को लादना शुरू किया। वो जानते थे भारतीयों पे थोड़ा सा खर्चा कर दो ये पिघल जाते हैं। ठीक है, तो वो यही मतलब, ऐसे आपको पॉलिसी खेलनी पड़ेगी, आकर के देश को गुलाम बना दिया धीरे धीरे, बोलते हैं अनचाहे में किया, तरीके अपनाइए, बहुत सारे तरीके, इसे डिप्लोमेसी कहते हैं। डायरेक्टली पाकिस्तान विरोधी हो जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पहले हर चीज़ को कॉन्फिडेंस में लो, कॉन्फिडेंस में लेने के बाद फिर उस पर काम करना शुरू करो अपनी विचारधारा का। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कुछ, दो चार चीज़ें बताऊँ, बहुत अच्छा भी लगेगा, आप सीख भी जाओगे कैसे है। जैसे कि आप कहाँ पहुँचे, द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ पे हैं, राष्ट्रवाद संघ की असफलता, लिखिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, अच्छा यहीं से मनमोहन सिंह आ गए थे, लिखिए प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रसंघ की स्थापना, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रसंघ की स्थापना भावी युद्ध को रोकने के लिए की गई थी, भावी युद्ध को रोकने के लिए की गई थी, भावी युद्ध को रोकने के लिए की गई थी, परंतु सदस्य राष्ट्रों के असहयोगपूर्ण रवैये, परंतु सदस्य राष्ट्रों के असहयोगपूर्ण रवैये, सदस्य राष्ट्रों के असहयोगपूर्ण रवैये तथा शक्तियों के आपस में ही उलझने से, शक्तियों के आपस में ही उलझने से यह असफल रहा, यह असफल रहा। समय समय पर, समय समय पर इटली जर्मनी, समय समय पर इटली जर्मनी जापान ब्रिटेन फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों ने इसके प्रावधानों को, फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों ने इसके प्रावधानों का उल्लंघन किया, परंतु राष्ट्रसंघ इनको रोकने में सफल नहीं हो सका, परंतु राष्ट्रसंघ इनको रोकने में सफल नहीं हो सका।
इटली द्वारा अबिसिनिया पर आक्रमण, विदेश नीति मैंने कल पढ़ाई थी मुसोलिनी की, उसी पर इटली द्वारा अबिसिनिया पर आक्रमण, जर्मनी द्वारा उसे सैन्य सहायता प्रदान किया जाना, इथोपिया अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, वहीं उसी के पास ही अबिसिनिया क्षेत्र, जर्मनी द्वारा उसे सैन्य सहायता प्रदान करना तथा राष्ट्रसंघ द्वारा इटली को आक्रमणकारी घोषित करने के बावजूद भी जर्मनी द्वारा उसे सैन्य सहायता प्रदान करना जर्मनी द्वारा उसे सैन्य सहायता प्रदान करना नेक्स्ट अमेरिका राष्ट्रसंघ का संस्थापक होने के बावजूद भी इसमें शामिल नहीं होकर तटस्थ रहा। कुल मिलाकर राष्ट्रसंघ दो देशों के मध्य विवादों को सुलझाने हेतु कारगर मंच के रूप में पूर्णतया असफल हुआ। अगला कारण तुष्टीकरण की नीति द्वितीय विश्व युद्ध का तीसरा कारण है तुष्टीकरण की नीति। ये क्या होता है? तुष्टीकरण किसे कहते हैं? जान के अनजाना हो जाना तुष्टीकरण है क्या? अभी बहुत नाम, ये शब्द भी बहुत आ रहा होगा कि आप तुष्टि, राजनीति में शब्द बहुत प्रयोग किया जाता है, नेता तुष्टीकरण की नीति क्या होता है? तुष्टीकरण गंदी राजनीति का मतलब क्या है? क्यों प्रीति जी, तुष्टीकरण मतलब नहीं समझती? वो कूटनीति हो गई, हाँ वो कूटनीति है। एक पक्ष को, एक तरफ की पक्ष लेना तुष्टीकरण नहीं है, वो तो क्लियर अपना स्टैंड हो गया। ये भी नहीं होता है तुष्टीकरण बड़ा क्लियर है। एक पर सारी चीज थूप देना तुष्टीकरण होता है। बड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ, तुष्टीकरण का मतलब होता है मदद भी करना और मदद भी नहीं करना। नहीं समझे आपके पक्ष की बात भी करना और काम भी नहीं होना, वो चीज है। राजनीति में क्या होता है, वो बोलते हैं चीजें हो जाएंगी, ये होगा वो होगा, चीजें हो नहीं रही होती हैं, होगा
तुष्टिकरण वो पक्ष में भी है, काम नहीं हो रहा, मतलब आपको ऐसा फील होगा तुष्टिकरण में कि ये हित की बात कर रहा है सामने वाले की, लेकिन वो हित की होती नहीं है, उसमें उसी का हित छुपा होता है। आपको मैं आपकी मदद इसलिए कर रहा हूँ तो सामने वाले को लगेगा अरे ये तो बड़ा मदद कर रहा है, लेकिन वो मदद में मेरी मदद छुपी हुई है। मैं तब तक आपकी मदद कर रहा हूँ जब तक मेरी मदद हो रही है, इसे बोलते हैं तुष्टिकरण की नीति। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने क्या किया, जर्मनी पर बड़े स्तर का वहाँ का जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चालू किया ताकि वहाँ पे बाजार, क्या वो इसलिए कर रहा था कि जर्मनी का विकास हो जाए? वो इसलिए नहीं कर रहा था, दो कारणों से कर रहा था। पहला कारण क्या था कि साम्यवाद खत्म हो जाए, साम्यवाद विरोधी था तो वो चाहता था कि साम्यवाद की एक दीवार बनकर उभरे जर्मनी, एक लौह चादर बनकर उभरे जो साम्यवाद को ख़त्म करेगा, यानी एक हथियार बनाना चाहता था जर्मनी को, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ अपनी अर्थव्यवस्था को वहाँ एक बाजार के रूप में, जर्मनी जैसे एक सशक्त देश को बाजार बनाना चाहता था वो। आपको शायद पता होगा जर्मनी की जनसंख्या यूरोप में उस समय सर्वाधिक थी, फ्रांस से दुगनी जनसंख्या थी जर्मनी में। तो जर्मनी में वो मदद कर तो रहा था, सबको लग रहा था कि मदद हो रही है, लेकिन मदद नहीं हो रही थी, अब प्रत्यक्ष तौर पे अपनी मदद कर रहा था। तो तुष्टिकरण का मतलब होता है सामने वाले की मदद करना और नहीं भी करना, अपने हितों की पूर्ति करना, इसे कहते हैं तुष्टिकरण। समझ गए? किसकी करने की? प्रश्न करने की। प्रसन्न, प्रसन्न और प्रश्न दोनों में अंतर है, बस वही है सामने। और मैं आप हैं, आप मुझसे बोल रहे हैं कि सर मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगी, मैंने आपको यहाँ पे खुश कर दिया, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं, ये तुष्टिकरण की राजनीति है और कुछ नहीं। हाँ, राजनीति में देख रहे हैं आश्वासन मिलना, ठीक है, क्या हुआ? अरे वो तो बहुत प्रॉब्लम है इसमें, वो ऐसा नहीं कुछ किया गया, वो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है, उसमें काम हो रहा है, उसमें मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। जो वेब डिजाइनर हैं तीन बार पस मुझे खुश नहीं कर पाए, हर बार आके पैनल सौंपते हैं, जैसे ऑफलाइन पैनल है दो बार दे चुके, दो बार वापस कर चुका मैं, तो हर बार वो देते हैं, हर बार वापस, और हर बार जो है उनकी पेमेंट भी बढ़ती जा रही, मैं बहुत परेशान हो गया, उसमें फंस गया हूँ बहुत बुरी तरीके से। अच्छा बनाने के चक्कर में वो पता नहीं कब अच्छा बनेगा, कब आएगा, तो वो देखो तुष्टिकरण की नहीं है वो तो। हाँ, अभी वो अभी इतना नहीं, अब एप्लीकेशन दे दिया गया, आप ही लोग देख रहे हैं, वो खोलते ही पैसा मांग रहा है, तो उसको सही कर रहे हैं सब चीज़ों को। तो अभी तो प्रोटो तो काम चल रहा है, बड़ा काम में टाइम लगता है, हाँ उसको फिर अभी इस पर बड़ी चीज़ पर टाइम लगता है, वो UPSC का लेवल है ना, वो तुष्टिकरण नहीं है, उसको तुष्टिकरण से मत जोड़ो। देखो मैं तो नहीं करता, कर तुष्टिकरण, देखो गलत राजनीति में मत ले जाओ। अच्छा वो संतुष्टिकरण है, ये थोड़ा अंत, ये देखो तुष्टिकरण का अपोजिट है संतुष्टि, ठीक है। संतुष्टि मतलब आपको सारी चीज़ जब मिल जाती तब संतुष्टि आती है। अभी जैसे आप लोग अपने घर वालों के साथ करते हो तुष्टिकरण की राजनीति, फ़ोन से पैसे मांगते समय, बस टेंशन ना लो अगले महीने एग्जाम है, ये क्या है, तुष्टिकरण की राजनीति है। आप यहाँ पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, घर वालों को खूब बताते हैं, बिल्कुल कैमरा लगवा दीजिए, देखिए रात दिन पढ़ ही रहा हूँ यहाँ पे, है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए इसमें तुष्टिकरण की राजनीति, आप समझ जाएंगे इससे क्या क्या हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध काफ़ी हद तक, द्वितीय विश्व युद्ध काफ़ी हद तक ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका जैसे देशों की, ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका जैसे देशों की स्वार्थ परता यानी कि तुष्टिकरण में स्वार्थ छिपा होता है अपना, ठीक है, जब तक स्वार्थ होता है तब तक काम होता है, स्वार्थ परता तथा जर्मनी के प्रति तुष्टिकरण की नीति की वजह से, जर्मनी के प्रति तुष्टिकरण की नीति से, जर्मनी के प्रति तुष्टिकरण की नीति से संभव हुआ था, तुष्टिकरण की नीति से संभव हुआ था। वस्तुतः प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के उपरांत
मित्र देश अब मित्र नहीं रह गए थे, मित्र देश अब मित्र नहीं रह गए थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत मित्र देश अब मित्र नहीं रह गए थे। ब्रिटेन यूरोप में अपने व्यक्तिगत हितों को ब्रिटेन अपने व्यक्तिगत हितों को तरजीह दे रहा था। उसे फ्रांस की चिंता से कोई लेना देना नहीं था, फ्रांस की क्या चिंता थी? कुछ नहीं समझ, बल्ब लगा लो दिमाग में। हाँ, फ्रांस की चिंता था ये थी, तो मतलब फ्रांस में आती थी। मुख्य चिंता क्या थी उसकी? वो तो सही हो जाएगी। मुख्य चिंता फ्रांस की क्या है? क्या जर्मनी का सशक्त होना फ्रांस के हित में था? क्योंकि जर्मनी को ये, फ्रांस को ये पता था कि यदि जर्मनी सशक्त होगा तो मुझे खा जाएगा। फ्रांस से डर रहा था, और ब्रिटेन क्या कर रहा था? जर्मनी को सशक्त बना रहा था। मित्र देश थे ये दोनों, चाहिए था कि फ्रांस की चिंताओं को समझे, वो सशक्त ना बनाए। जैसे अभी रसिया हमारा मित्र है, वो पाकिस्तान को सशक्त बनाना शुरू कर दे, है ना, तो तुष्टिकरण की नीति हो गई ना। मित्र आप बने हुए हो और साथ साथ कौन सा काम कर रहे हो, है ना, तो ये इसे बोलते तुष्टिकरण। एक मंच पे गए, बात वही हो गई और कुछ नहीं। चलो यही बात है, आगे लिखना है। उसे फ्रांस की चिंता से कोई लेना देना नहीं था कि सशक्त जर्मनी सर्वप्रथम फ्रांस के अस्तित्व को मिटाना चाहेगा। सशक्त जर्मनी सर्वप्रथम फ्रांस के अस्तित्व को मिटाना चाहेगा। ब्रिटेन आर्थिक मंदी के दौर में अपने व्यापार की वृद्धि हेतु जर्मनी के बाजारों का पुनर्निर्माण करना चाहता था। उसे जर्मनी से यह अपेक्षा थी कि वह साम्यवाद के खिलाफ लौह चादर का काम करेगा दूसरी तरफ वह इटली को तुष्ट कर भूमध्य सागर में अपना प्रभाव दूसरे देशों की तुलना में बढ़ाना चाहता था। ब्रिटेन को पूर्वी एशिया में निर्बाध जहाजरानी के लिए इटली के सहयोग की आवश्यकता थी।
निर्बाध जहाज रानी के लिए इटली के सहयोग की आवश्यकता थी। जापान से वह एशियाई साम्राज्य की सुरक्षा में सहयोग की आशा रखता था सुरक्षा में सहयोग की आशा रखता था। नेक्स्ट, जर्मनी ने 18 जून 1935 को ब्रिटेन से नौसैनिक समझौता कर ब्रिटेन को आश्वासन दिया था कि वह उसके नौसैनिक शक्ति के बराबरी का प्रयास नहीं करेगा। तथा ब्रिटेन यह भी नहीं चाहता था कि फ्रांस उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए वस्तुतः अपने उपरोक्त स्वार्थों की पूर्ति हेतु ब्रिटेन ने इटली तथा जर्मनी के प्रत्येक अनुचित कदम का स्वार्थों की पूर्ति हेतु ब्रिटेन ने इटली तथा जर्मनी के प्रत्येक अनुचित कदम का विरोध करना तो बंद कर दिया साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका ढाल बन गया। जैसे अभी चाइना बना हुआ है पाकिस्तान का, उसे नहीं दिखता कि कहीं आतंकवादी घटना हो रही है, कोई मतलब नहीं उसे। साथ ही उसका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साथ देना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान मुझे बड़ा नासमझ देश लगता है। पता है कितना कर्जा दे दिया चाइना ने? ऐसे ही कर्जा दिया उसने हम्बनटोटा पे। आपको पता ही है कहाँ है, पढ़ाया गया होगा, श्रीलंका में। पहले श्रीलंका को उसने कर्जा दिया। शुरुआत में देखो उसकी पॉलिसी क्या चाइना की। शुरुआत में उसने श्रीलंका को खूब, महिंद्रा राजपक्षे का झुकाव प्रो चाइना था। अब तो ये जब से सिरीसेना और ये सब हैं तब से प्रो इंडियन अप्रोच रहता है। तो महिंद्रा राजपक्षे के समय चाइना ने खूब पैसा दिया श्रीलंका को। अब श्रीलंका की ये स्थिति आ गई कि वो पैसा वापस नहीं कर रहा था, तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, पैसा वापस मत करो, हम्बनटोटा मुझे 99 साल के लिए। यही हाल पाकिस्तान के हैं, कुछ दिन बाद बोल देगा खाली करो पाकिस्तान। इतना पैसा दे चुका है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एक बच्चे के ऊपर 14 लाख रुपये का कर्ज है। आज यदि पाकिस्तान का कोई बच्चा पैदा होता है तो 14 लाख रुपये कर्जा लेकर पैदा होता है, जबकि छोटा सा कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है चाइना पाकिस्तान की देखा जाए ओवरऑल। तो इतना पैसा चाइना दे चुका है, कल के दिन ये दूसरे खाली कराने लग गया कि भैया लीज में दे दो, कोई दिक्कत नहीं, रखो पैसा। नहीं नहीं
ऐसे नहीं पीओके नहीं देंगे, लेकिन वो बंदर गांवों को ले रहा है सिर्फ और कुछ नहीं, बंदर गांवों शहरों को विकसित कर रहा है, व्यापार बढ़ाना है ना उसे। वो जो उसका है ना, पढ़ाया गया होगा आपको स्टिंग ऑफ पल्स, वो तो एक अलग है, ठीक है। जो मरीन बेल्ट डेवलप कर रहा है वन रोड वन बेल्ट के तहत, OBR जो उसकी योजना है, वो मरीन बेल्ट जलीय मार्गों को बंदरगाहों को जोड़ता चला जा रहा है, ठीक है। आने वाले विश्व में बड़ा खतरनाक साबित होगा चाइना, ये काम अमेरिका भी नहीं कर पा रहा है अभी, जिस स्तर पर अफ्रीका पर इंटर कर रहा है, अफ्रीका के हर देश में जाता है, अफ्रीका के हर देश में है चाइना, इंडिया भी मदद करता है लेकिन अफ्रीका में चाइना की उपस्थिति ज़्यादा है। जिबूती से बहुत सारा एरिया लीज में ले चुका है, सोमालिया से बहुत सारे, सब तटीय क्षेत्रों को पकड़ रहा है, लैंडलॉक कंट्री में प्रवेश नहीं करता वो, क्योंकि उसे पता है कि समुद्र का और बंदरगाह का क्या महत्व है। वो बंदरगाहों को विकसित कर रहा है बस, अंदर वाली कंट्री को कहता रहो तुम्हारे पास नहीं आना। इतनी बड़े स्तर की पॉलिसी खेल रहा है विश्व के साथ। अभी शांत है, उसको अपने सर ने शायद पढ़ाया हो, शांतिपूर्ण उदय का काल। उसने 3D अप्रोच अपनाया था, पहले उसका था शांतिपूर्ण उदय का काल, शुरुआत में वो नहीं, अभी जब इसकी क्रांति ये चालू हुआ, चाइना की क्रांति के बाद, जब 1949 की क्रांति हुई उसके बाद वो पहले शांति से उदय हुआ, फिर आक्रामक। अब जो है, अब उसकी पॉलिसी क्या है, वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके अब हर जगह पर वो दबाव बना देता है। सर उसके युआन कूटनीति, युआन कूटनीति के अंतर्गत क्या, जैसा पहले अमेरिका डॉलर कूटनीति के अंतर्गत डॉलर देता था, फिर अपने हित निकालता था, वो क्या करते हैं युआन देते हैं हर एक कंट्री को जितना चाहिए उतना दो, और फिर उससे अपने हित साधते हैं। बिल्कुल वो है उसकी कूटनीति, और उसमें उसका एक है सबसे जो मेन मुद्दा है वो है आर्थिक व्यापार का, कि भाई हमें आर्थिक जितना जो अपने आप खुलापन दो, हम अपना प्रोडक्ट यहाँ बेचें। बिल्कुल पूरी इकोनॉमी कैप्चर कर लेता है पर्टिकुलर देश की। चाइना क्या करता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, इतना प्रोडक्शन कर दो कि किसी वस्तु का मूल्य अपने आप ही घट जाए, ठीक है। जब मूल्य घटेगा तो मार्केट में ज़्यादा बिकेगा। आज विश्व के जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं चाइना में मटेरियल बनाते हैं, क्यों, चीज़ें सस्ती हैं, श्रम सस्ता है, वहाँ श्रमिकों के बहुत बुरे हाल है पता है आपको, बहुत बुरी ज़िंदगी जीते हैं। हमारे यहाँ तो ट्रेड यूनियन से सब कुछ है, बहुत अच्छी स्थिति है, वहाँ ये 8 घंटे 9 घंटे का रूल नहीं है। और वहाँ पे एक चीज़ और है, एक रूल है, हड़ताल नहीं कर सकते वहाँ पे, हड़ताल ऐसे होती है, यदि हड़ताल मान लो मजदूरों को ऐसा लगता है कि हम अपने हितों को ना बनाए वो करें, तो उनको जैसे पेन बनाते हैं, पेन की कंपनी है तो पेन के वो ढक्कन बनाएगी, ठीक है, एक तरफ ढक्कन का प्रोडक्शन हो रहा है उसका खोखा बाद में बनेगा, या फिर जूते की कंपनी एक पाँव का जूता बनाएगी दूसरे पाँव का बाद में, हड़ताल इस तरीके से करवाते हैं यदि करते भी तो हैं। डस्टर की कंपनी है तो बस ये वाला हिस्सा बनाते रहो जब तक आपकी बात, पीछे वाला बाद में बना देना जब मांग पूरी हो जाए। वहाँ पर मतलब काम ऐसे नहीं होता कि भारत जैसे सब बंद करो चलो रजाई के अंदर घुसो सो, ऐसे हड़ताल नहीं कराते, काम चलता रहता है वहाँ पर, समझ रहे हैं। चश्मे की कंपनी है तो लेंस बन नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्रेम बनाएंगे, उसका जो सह उत्पाद है एक सह उत्पाद नहीं बनाते हैं तो उस उत्पाद की कोई वैल्यू नहीं रहती है, ऐसे हड़तालें होती है वहाँ पे, रूल बना रखे हैं उन्होंने। सही है सर, वो सही है, यहाँ तो एकदम ताला मारो और उन दबाव में ज़्यादा जाते हैं क्योंकि इतना मटेरियल वो एक तरफ बनता चला जा रहा है, एक पाँव का जूता किस काम का, कार्य भी हो रहा है, हड़ताल भी हो रही है, तरीका अलग है, कारण भी है। हमारे यहाँ पे वहाँ पे अंतर है ना, हमारे यहाँ पे समस्या जानते हैं क्या है, पहले घटना ना करो तो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्यों नहीं किया, जब कर दो तो पूछते हैं क्यों किया, ये वाली दिक्कत है। इंडिया में जो विपक्ष है, विपक्ष नहीं विरोध है, सहायता करते नहीं, वहाँ पे विपक्ष ही नहीं है, विपक्ष का अभाव है। चाइना में पॉलिसी बनने से पहले खूब विचार विमर्श होता है, पॉलिसी बनने के बाद कोई विचार नहीं, एक बार इम्प्लीमेंट हो गई फिर चाहे बंदूक की नोक पे इम्प्लीमेंट करानी पड़े कराई जाती है, भारत में पॉलिसी बनने के बाद ही बहस चालू होती है, अंतर है दोनों कंट्रियों में। तो सब पहले नहीं होता ना, यहाँ बताया ना विपक्ष नहीं विरोध है, विपक्ष है ही नहीं भारत में। विपक्ष का मतलब क्या होता है, विपक्ष का मतलब होता है अल्टरनेटिव, विकल्प दे, विपक्ष कभी विकल्प देता नहीं, वो कहेगा चीज गलत है, ये गलत है, ये गलत है, अरे पूछो सही क्या है, सही तो बता दो, उसे सही खुद नहीं पता, उसको सिर्फ विरोध करना है पर्टिकुलर पॉलिसी का, उससे कहो इसका सही क्या हो सकता है, सही रूप क्या होता है, वो कभी हमें बता ही नहीं जाता, कभी कोई बताता है। हमारे यहाँ क्या है, राजनीतिक इतिहास ही ऐसा रहा है, एक पार्टी आती है पॉलिटिकल पार्टी, वो पहले किसी नीति का विरोध करती है, खुद आकर लागू कर देती है, वही विपक्ष नहीं विरोध है, बताया ना, बिल्कुल सही बात है। जब तक बस उनको ब्लैक दिखता है,
उसका व्हाइट करने का तरीका उन्हें नहीं पता कि क्या होगा। बस साफ सीधी सी बात, जीएसटी था या ही बीजेपी थी, जीएसटी पे जो खूब हो हल्ला मचा है ना, भूमि सुधार को लेकर के खूब हो हल्ला मचा, ठीक है। अब जब पार्टी में आ गए, जीएसटी आज पुरस्कार मिला था कर अरुण जेटली साहब को, मनमोहन सिंह ने दिया है, एक बड़ी बात है, वैसे मिला जीएसटी काउंसिल को है लेकिन अध्यक्ष होने के नाते उन्हें दिया गया। अब जीएसटी उन्हें बुरा लगने लगा जो लागू करा रहे थे पहले, अब उन्हें बुरा लगने लगा, तो मतलब कितना ये। हाँ, कंप्यूटर आया था उसका विरोध हुआ है ना, बाद में फिर वही सबसे ज़्यादा डिजिटल इंडिया चला रहे हैं, जिन्होंने विरोध किया था वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं। लेकिन सर एक रिपोर्ट में भी पढ़ रहा था कि 2023 तक शायद भारत में एटीएम खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल एटीएम के कैशलेस पे इतना चले जाएंगे कि हमें एटीएम की जरूरत और स्वाइप मशीन खत्म हो जाए, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एटीएम ना खत्म हो, कैश की भी जरूरत पड़ती है, कैश का मिनिमम यूज होगा, अगर होगा तो बहुत मिनिमम। अच्छा, मतलब उसका इतना दिखा गया है कि 2023 तक हम ये पेटीएम हो गया, भीम हो गया और बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैं एक रुपये भी खर्च नहीं करता कैश में, एक रुपये नहीं खर्च करता कैश में, एक रुपये भी। मतलब मेरे साथ ये है कि किसी किसी दिन तो मैं टहल जाता हूं बहुत बुरा, पैसे होते नहीं है, ऑटो वाला हो, रिक्शा वाला, कोई भी हो, जहां तक लगभग 99.99% मैं कैशलेस व्यक्ति हूं, 99 करना चाहिए लोगों को, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन बहुत मेंटेलिटी गंदी है, बहुत सारे लोग तो जहाँ भी जाओ सामान लेने, लोग ये कहते हैं कि ये मतलब विश्वास नहीं है, कुछ टेक्नोलॉजी को विरोध करते हैं, कुछ वैसे भी लोग भी बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग कैश में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। नहीं, बहुत नंबर दो, कैश का मतलब क्या, नंबर दो, कैश का मतलब होता है नंबर दो। रिटेल में आ गया है, लेकिन वो सब चाहते हैं कि कैश मिल जाए, लोग कहते हैं चेक दे दीजिए, चेक में हम बैंक से नहीं कैश निकाल लेंगे, कैश बन जा लेंगे, तो लोग कैश ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि कैश में लेन देन बंद कर देना चाहिए स्वाभाविकता। लेकिन मैं अपने घर पे जैसे किसी को उपहार गिफ्ट भी देना होता है ना, तो पेटीएम से ही देता हूँ, पेटीएम से या फिर ट्रांसफ़र करके, वो भी नहीं कि कैश, कैश का सिस्टम ही बंद है। यहाँ से जो आप लोग कैश देते हो ना, वो सीधा बैंक में जमा होता है, एक रुपए भी उसको कैश रखता ही नहीं है, मतलब विरोधी डिजिटल इंडिया इतने बड़े स्तर पे होना चाहिए, अच्छी चीज़ है, पूरा अकाउंट में ही जाए पैसा, सब अकाउंट से ही रहेगा, वो ट्रांजेक्शन ओके रहता है, कैश डिपॉजिट होना ही नहीं चाहिए, कैश काम ही नहीं होना चाहिए, है ना। किस में नहीं होता, होता है, उनसे बात करो, ऐसे ही ठेले को पकड़े हो जहाँ पे पेटीएम होता हो, वो भी ले लेते हैं, देने का है लेते हैं। हाँ, बहुत जगह नहीं भी है, बहुत जगह है, बहुतों को तो मैं डाउनलोड करवा दिया कीजिए ना पेटीएम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहाँ पहुँचे, तुष्टिकरण की नीति। हाँ, तो ये कहाँ तक पहुँच गया, अंतर्राष्ट्रीय पक्ष लेने लगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उनका ढाल बन गया। यही कारण है कि जर्मनी द्वारा पुनः शस्त्रीकरण करने, यही कारण है कि जर्मनी द्वारा पुनः शस्त्रीकरण करने, ऑस्ट्रिया समेत कई क्षेत्रों को पर कब्जा करने, ऑस्ट्रिया सहित समेत कई क्षेत्रों पर कब्जा करने ऑस्ट्रिया समेत कई क्षेत्रों पर कब्जा करने में भी ब्रिटेन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। म्यूनिक समझौते में तो बढ़िया से बैठा के बोला, टेंशन मत लो, हम आ गए हैं। ऑस्ट्रिया समेत कई क्षेत्रों पर कब्जा करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, है ना। ऑस्ट्रिया तक को उसने कब्जा कर लिया था। फलतः हिटलर तथा मुसोलिनी को अपनी शक्ति एकत्रित करने का भरपूर अवसर प्राप्त हो गया, अपनी शक्ति एकत्रित करने का भरपूर अवसर प्राप्त हो गया।
नेक्स्ट अगला कारण है उग्र राष्ट्रवाद भावना का विकास प्रसार, उग्र राष्ट्रवादी भावना का प्रसार। तो अपने सब सिनॉप्सिस बनाइए, बुलेट पॉइंट, पांच पांच पॉइंट बनाइए हर एक उसका। ये तो देखो मैं यदि इस तरीके से नहीं लिखवाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको मैंने एक समझा दिया होलिस्टिक अप्रोच से, पूरे घटनाक्रमों को जोड़ने के लिए मजबूरी है करवाना। और नहीं मैं सिनॉप्सिस यदि पॉइंटों पर लिखवा दूंगा तो आप लोग फिर संकट में आ जाओगे, वो और नहीं समझ में आएगा। आमतौर पर जो मैंने मतलब मेरे पास है वो पॉइंटों पर मैं आपको चीज़ें दे सकता हूँ। पॉइंट अब आप निकाल लो, इनसे आसानी से निकाले जा सकते हैं, बड़ा ईजी है, ये काम खुद करना पड़ेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट उग्र राष्ट्रवादी भावना का प्रसार लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध के हुए के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुए घटनाक्रम ने, हुए घटनाक्रम ने राष्ट्रवादी भावना को उग्र बनाने का कार्य किया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुए घटनाक्रम ने राष्ट्रवादी भावना को उग्र बनाने का कार्य किया। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर लड़ा गया, चूंकि प्रथम विश्व युद्ध आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर लड़ा गया, अतः विभिन्न राष्ट्रों में राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर लड़ा गया, अतः विभिन्न राष्ट्रों पे राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। इसी राष्ट्रीयता का लाभ जर्मनी तथा इटली के तानाशाहों ने, इसी राष्ट्रीयता का लाभ जर्मनी तथा इटली के तानाशाहों ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए किया। अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए किया। अब देखो जर्मनी के सभी लोग एक स्वर में हो गए थे, है ना। आपको ये अच्छा नहीं लगता कि भारत जैसा देश आज विभिन्न प्रकार की सोचों को रखता है? हमारे यहाँ पे 50 विचारधाराएं हैं। कभी भी देश के लोगों को एक भी राजनीतिक पार्टी का अंधभक्त नहीं बन जाना चाहिए, एक ही सरकार को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, सरकार से हमेशा क्वेश्चन मार्क करते रहना चाहिए। यह किसी भी देश के राष्ट्रवादी भावना में होना बहुत ज़रूरी है। आज भारत क्यों जिंदा है, हमारे यहाँ पे क्यों कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पे 50 विचारधारा हैं और पल्लवित और पुष्पित हो रही हैं। यदि मान लो सब एकजुट हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो ऊपर वाला व्यक्ति तानाशाह भी बन सकता है, अपनी मनमर्जी भी चला सकता है, अपने मन का ही कर सकता है। यदि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो दूसरा पक्ष यदि पूछ रहा है कि क्यों की और क्यों कैसे की, ये भी एक अच्छी भावना है, इसको भी हम निगेटिव पक्ष में नहीं ले सकते। बताइए किया है तो उसका प्रूफ दीजिए, ये भी गलत नहीं है, राष्ट्रवादियों को गलत लग सकती है, ठीक है। भारत देश के हिसाब से यदि वैश्विक परिदृश्य आप कंपेयर करें तो बहुत अच्छी चीज़ है जो हो रहा है। क्वेश्चन मार्क उठाने वाले चाहिए किसी भी देश में। जर्मनी में हिटलर इसलिए पैदा हुआ क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाले मर गए थे, उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें ख़त्म किया जा रहा था। यदि यहाँ पे एक ही भावना के लोग पैदा हो गए तो कब देश का विनाश हो जाएगा पता नहीं चलेगा, कब आपके यहाँ का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लोकतंत्र विभिन्न विचारधाराओं का समन्वय होता है, ठीक है। कब एक जाति ऊपर उठ करके खड़ी हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। जर्मनी में हिटलर ने क्या किया, एक जातीय नस्लता को ऊपर रख दिया, आर्यों की श्रेष्ठता को ऊपर रख दिया। यही काम भारत में भी हो जाएगा। इसलिए विभिन्न जातियों के संरक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र की संरक्षा के लिए भारत में विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का होना अत्यावश्यक है। सभी को लोकतांत्रिक मंच में बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। विभिन्न पार्टियों और विभिन्न एक जैसी विचारधारा कभी भी पनपनी नहीं चाहिए, उसी दिन देश समाप्त हो जाएगा। यह हमारी विशेषता है, हम इसे मार नहीं सकते, हम इसे मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। राष्ट्रवादी के साथ साथ वामपंथी भी चाहिए, उग्रवादी भी चाहिए, क्रांतिकारी भी चाहिए, न्यूट्रल भी चाहिए, केंद्रीय भी चाहिए, विपक्ष भी चाहिए, सब कुछ चाहिए भारत में। इसी कारण हम हैं, ठीक है।
तो यदि कभी आपको लगे कि ये विरोधी है तो समझिए लोकतंत्र का रक्षक है। यदि लगे कि आप एक पार्टी का उत्थान दे रहे हैं इसलिए एक विचारधारा का जन्म होना ही नहीं चाहिए, नहीं देश भी नाजीवाद बन जाएगा, देश भी फासिस्ट बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जितने भी लोग हैं आप में से कुछ भक्त लोग भी हैं, मैं भी जैसे भक्त हूँ सबसे बड़ा भक्त है ना, हमेशा एक पार्टी को अपना वोट बदलते रहना चाहिए। अच्छा, जब तक हमारे हितों में काम करे तब तक उसको वोट देना चाहिए। हित जैसे ही टकराएं, बिल्कुल दबाव समूह, नाम सुना प्रेशर ग्रुप्स, बिल्कुल सबको यही करते हैं। जैसे कि अभी आप खुद सोचो, बसपा है, बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी ने क्यों जीरो वोट में जीरो सीटें मिली यूपी में, दिखाया बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, बता दिया कि आपने हमारे हित में काम किया इसलिए हम आप भर के भरोसे नहीं बैठे हैं, एक भी सीटें नहीं दी। भारत के लोकतंत्र की विशेषता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, गलत थोड़ो ना है। क्यों अब फिर लगेगा कि हमारे हितों का संरक्षण ये नहीं कर पाए तो फिर जिता देंगे उन्हें? ये गलत है, ये गलत है, भारत खत्म हो जाएगा। मीडिया बहुत गलत रोल अदा कर रही है। अभी रवीश कुमार का एक कमेंट आया था कि दो महीने के लिए टीवी बंद कर दें, टीवी ना देखें, ये देश के लिए कम से कम आप इतना कर सकते हैं। तो रवीश कुमार ठीक है, वो भी सही है, गलत नहीं किसी को कह सकते, वो भी भले आदमी नहीं है, लेकिन बाकी के लोग भी ठीक है बहुत भले नहीं है, वो भी एक पक्षी हो करके बोलते हैं। मीडिया जो दिखाता है आप देखते हो उसी विचारधारा में रंग बस जाते हो, ठीक है, तो सब सही है, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं, सब बढ़िया है, विपक्ष नहीं विरोध है लेकिन अच्छा है, जरूरी है देश के लिए, देश की जिंदा दिली के लिए जरूरी है, ठीक है, हर तरीके के लोग चाहिए। तो क्लास में यदि 50 विचारधाराओं के लोग हैं तो गलत नहीं है, ठीक है, हम सबसे लोकतांत्रिक क्लास में बैठे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है और हम चाहेंगे कि जिंदा रहे, ये मरे ना, ठीक है, ताकि एक व्यक्ति का पक्ष उभर के ना पाए। मैं तो न्यूट्रल आदमी हो गया, बाकी आप लोग अपने अपने पक्ष जिंदा रखिए, जैसे ही कोई कुछ बोले दूसरा तुरंत खड़ा हो जाए, फिर आप बोलने में क्यों डरते हैं, सामने वाला बोल रहा है काउंटर अटैक कीजिए, आपके बस में है तो। फालतू ही चलता है राजनीति में, तथ्य वत्य राजनीति, ये देखो विचारधाराएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक नहीं होती है। आप एक बात को समझिए, आप फिलॉसफी पढ़े हैं, विचारधारा की बात नहीं, समानता भी विचारधारात्मक रूप से बटी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर सार निकलता है कि अगर हम समानता की बात करें तो उदारवादी क्या कहेंगे कि लेसेस फेयर समानता है, उदारवादी के मार्क्सवादी क्या कहेंगे कि जो दबे कुचले हैं उन्हें आगे बढ़ाओ समानता है, तो दोनों की बात बराबर है, हाँ हाँ बात तो वही कर रहे हैं, लेकिन कान इधर से पकड़ दो इधर से पकड़ लो बात एक ही, तो अब आपको देखना है कैसे पकड़ना है, है ना, लेकिन विचारधारात्मक रूप से बटा होना बहुत जरूरी है, ये दिमाग में बैठा लो। 50 विचारधाराएं यानी कि सब कुछ बढ़िया ओके चल रहा है, जिस दिन एक विचारा हावी हुई उसी दिन हम गए, उसी दिन निपट गए, ये समझ लो उसी दिन मर गए, हमारा लोकतंत्र मर गया। इसीलिए भारत में 50 धर्म हैं, इन धर्मों को हमें जिंदा रखना है, किसी भी धर्म को ख़त्म नहीं करना है, 50 इसी को विविधता, अपनी विविधता को ही हमें, यही हमारी विशेषता है, विश्व का एकमात्र देश जहाँ पर सभी धर्मों का समन्वय है, सभी भाषाओं का समन्वय है, सभी नस्लों का समन्वय है, सभी प्रजातियों का समन्वय है, सभी प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ एक ही देश में देखने को मिल रही हैं, इसको हमें जिंदा रखना है, हमें इसे मारना नहीं है, भारत को एक नहीं बनाना कभी भी, विविधीकृत रखना है, विविधता में एकता स्थापित हो ही जाएगी, अखंड भारत, हाँ अखंड भारत। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाँ कहाँ पहुँचे, मजबूत करने का के लिए उठाया हिटलर ने इसी आधार पर, हिटलर ने इसी आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रजाति की भावना को, हिटलर ने इसी आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रजाति की भावना को राष्ट्र की महानता के आधार पर, सर्वश्रेष्ठ प्रजाति की भावना को राष्ट्र की महानता के आधार पर बनाया तथा वर्साय की संधि द्वारा, तथा वर्साय की संधि द्वारा किए गए अपमान के प्रतिशोध, वर्साय की संधि द्वारा किए गए अपमान के प्रतिशोध
की इच्छा को उत्तेजित किया, इच्छा को उत्तेजित किया। इस उग्र राष्ट्र को प्रोत्साहित करने में, इस उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने में आर्थिक मंदी ने विशिष्ट भूमिका निभाई। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। अगला कारण ये भी था, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। अच्छा अब कोई बताए मुझे अच्छे से, जो समझ पाया हो आर्थिक मंदी का क्या कारण रहा, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या भूमिका निभाती है आर्थिक मंदी, कोई समझाए कैसे निभाती है, क्या तरीका होता आर्थिक मंदी ने कैसे इसको द्वितीय विश्व को कर दिया। हाँ बताओ। धन हानि है, आर्थिक मंदी समझते हैं क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था पहले ये बताओ। कौन बताएंगे? अच्छा हाँ मनीषा जी बताइए। अब आप बताइए। हाँ आर्थिक मंदी का ये कारण है क्योंकि सब जितने भी राष्ट्र के लोग थे वो सब युद्धों में लग गए, आर्थिक धंधों पर किसी ने ज्यादा सब ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अरे रुक जाइए अभी, पर उनका नंबर है फिर आपका भी आएगा। हाँ कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, तो उससे मतलब कि व्यापार पे हानि हुई, तो व्यापार पे हानि हो गई, ये समझाया था मैंने। हाँ मंदी है क्या? पूंजी का ज्यादा उत्पादन ना हो तो मंदी आ जाती है। हाँ पहले इधर इधर, ये कांग्रेस से हैं मुझे। वो कहा डंप हो गए। हाँ आसान भाषा में कोई समझा सकता है? हाँ 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 आसान भाषा, पीछे एक पक्ष आया है। हाँ अच्छा, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में गिरावट हो जाए तो आर्थिक मंदी हो जाती है। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया, तालियां बजाई जाए। हाँ इधर एक कांग्रेसी है। मांग की अपेक्षा आपूर्ति का अधिक हो जाना मंदी हो जाए। इसे मंदी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे और क्या होता है आगे? आसान भाषा में नहीं समझा पा रहे। हाँ अच्छा हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या पढ़ रहे हो आप मुझसे? सिंपल और आसान भाषा में एक बात बोली थी मैंने। हाँ कोई और बताए, सिंपल आसान। हाँ बताइए सर। पहला फिर हम करते बाद आर्थिक मंदी की, आर्थिक मंदी क्या, आर्थिक मंदी में क्या हुआ, सभी जो प्रमुख राष्ट्र थे वो युद्धरत हो गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और जैसे युद्ध खत्म हुआ पूंजी का अभाव हो गया, उत्पादन बढ़ाने के पूंजी कमाने के लिए उत्पादन बढ़ाया, उत्पादन बढ़ाया सबके पास, हमने उत्पादन तो कर लिया लेकिन वो बिका माल कहीं नहीं, तो ट्रेड हो नहीं रहा था किसी के पास भी। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा पैसा था, तो उसने क्या किया, वो उसने अपना स्टॉक मार्केट में लगा के पूरा पैसा, वो उधार नहीं दे रहा था दूसरे देशों को, तो उससे क्या हुआ कि लोगों के पास पूंजी का अभाव हो गया, वही आर्थिक मंदी बताया। सब सही है, मैं किसी को गलत बोला हूँ क्या? किसी को नहीं बोला ना, सबके पक्ष सुने जा रहे हैं। आसान भाषा में मैंने एक बात बोली थी, यदि इतना भर याद मेरी, जो मैं जब बोला करूँ ना आसान भाषा में समझो, ठीक है, क्रिटिकल नहीं। अर्थव्यवस्था के चक्र का रुक जाना,
अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो लगातार चल रहा है तब तक सब ठीक है, अर्थव्यवस्था के चक्र को रुक जाना कहते हैं मंदी हो जाना। बस इकोनॉमी का जो चक्कर है जो गोल गोल घूम रहा है उसका रुक जाना मंदी कहलाता है, सिंपल और आसान भाषा में। समझ रहे हैं? बनाए रहो, बनाने से क्या होता है, बिकना भी चाहिए, कुछ नहीं हो रहा आज के समय में, यही तो हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ये चक्र चल रहा है, चक्र रुक गया मंदी हो गई। मंदी मतलब मंद, चक्र की गति मंद हो गई, इकोनॉमी के चक्र की गति मंद क्या रुक ही गई, बड़े स्तर पर पूरी तरह से रुक जाना, स्टॉप लग जाना, आर्थिक मंदी, महान वैश्विक आर्थिक मंदी, पूरे विश्व में रुक जाना वैश्विक मंदी, अपने घर पर रुक जाना हर तरीके से। समझ रहे हैं? किसी भी तरीके से समझ लो, घरेलू मंदी कैसे भी समझ लो। तो विश्व में जो इकोनॉमी चल रही थी, एक दूसरे से आयात निर्यात दुनिया भर की कहानी चल रही थी, वो सब बंद हो गई, पूरी इकोनॉमी बंद। इकोनॉमी का मतलब कुछ नहीं, आयात निर्यात ही होता है, कोई चीज़ आ रही है कोई चीज़ जा रही है, कोई चीज़ निवेश हो रही है कोई चीज़ बेची जा रही है, उससे पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा पैसा हो रहा है, इसी को इकोनॉमी कहते हैं। तो अब एक बात समझते हैं, हुआ क्या, आप देखो इसने द्वितीय विश्व युद्ध कैसे ला दिया, मैंने ये पूछा था। हाँ, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी समझ में गया, द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हो गया इससे, ये बताओ आप। हाँ, बड़े हंस रहे हैं, बताइए हंसी का कारण क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध आर्थिक मंदी का द्वितीय विश्व युद्ध से क्या लेना देना है, नहीं पता? अच्छा, हाँ, ये बीजेपी कांग्रेस छोड़ दी, ये कौन सी पार्टी है? हाँ, ये चाय वाली पार्टी। हाँ, कुछ भी अगड़म बगड़म नहीं है, है ना? हाँ, सिंपल और आसान भाषा में समझो, आप लोग का कुछ नहीं हो सकता इसलिए गलत होगी। आप देखो चुप पे। हाँ, मुझे एक बात समझ गया, जब आपने बताया नहीं तो हम कैसे बता देंगे? अरे मैंने बताया, अरे आप लोग कॉमन सेंस समझिए कैसे आर्थिक मंदी ने काम किया। आप देखो सिंपल आसान भाषा में समझते हैं, एक एक क्रम से आर्थिक मंदी हुई, ठीक है, उत्पादन तो बढ़ा लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था, आर्थिक मंदी के रूप में निकला ये। अब देखो इसके कारण क्या हुआ, मुक्त व्यापार समझौते को एक तरफ रख दिया गया, इस बात को समझिए। मुक्त व्यापार समझौता तब चलता है जब दोनों देशों में खूब खरीद बेच होती रही हो। अब आर्थिक मंदी ने आयात निर्यात बंद किया, पहला काम तो ये किया इसने, आयात निर्यात बिल्कुल कम कर दिया, ठीक है, इतना कम कर दिया कि किसी भी देश में बाहरी मुद्रा का आवागमन बंद हो गया, बाह्य मुद्रा का आवागमन बंद हो गया, जो कि बहुत जरूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। अब जब बाह्य मुद्रा आयात निर्यात से नहीं मिले तो किस माध्यम से ली जाए? मुक्त व्यापार समझौता क्या बाह्य मुद्रा देता है? कैसे देता है भाई? सरकार को क्या प्राप्त होता है उससे? टैक्स जीरो कर दिया, मुक्त व्यापार समझौता टैक्स जीरो है उसमें, तो वो भी मुक्त व्यापार है, ये भी मुक्त है, दोनों मुक्त व्यापार हैं, सामग्री भेजे उसे लाभ मिलेगा बस। आपने यहां से हमारा अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता मान लो हो जाए, अभी तो नहीं है, अमेरिका ने कर रखा है, भारत 150% देता है ड्यूटी, तो यदि ड्यूटी कम कर दे, हम क्यों लगाए हुए ड्यूटी, क्योंकि हमें डॉलर चाहिए, हमारे देश में फॉरेक्स रिजर्व कम है, है ना, इसलिए हम लगाए हुए, उन्हें जरूरत नहीं है, उनके पास खूब है, ठीक है। तो मुक्त व्यापार समझौता क्या करता है, टैक्स को खत्म कर देता है, जो टैक्स के द्वारा पैसा आ सकता है, ज्यादा पैसा इसी से आता है, कर के माध्यम से ही, ये खत्म कर देता है। देशों ने क्या किया, मुक्त व्यापार समझौते को तोड़ दिया, बड़े स्तर पर एक दूसरे के क्षेत्रों पर आने वाले व्यापार पर उसने क्या लगा दिया, कर लगा दिया, ठीक है। अब देखो कर लगा देने से जो देश एक दूसरे से व्यापारिक तौर पे जुड़े हुए थे थोड़ा बहुत भी, वो देश अब और दूर होते चले गए, क्योंकि उत्पाद और महंगा होता चला गया, और भी हतोत्साहित हुआ, तो इससे भी एक तरीके से समझ सकते अप्रत्यक्ष तौर पर इसने क्या किया, अप्रत्यक्ष तौर पर क्या हुआ, एक दूसरे से देशों को तोड़ दिया, काम खत्म कर दिया, आर्थिक मंदी ने यह काम किया, यही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना।
दूरियां बढ़ा दी, ठीक है। मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक नजदीकियां बढ़ाता है, ठीक। हाँ, संरक्षणवाद, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कुछ तो कारण होने चाहिए नजदीक आने के। मुक्त व्यापार समझौता नजदीक आने का एक कारण होता है। संबंध यदि खराब भी हो जाएं, तो यदि मुझे ऐसा लगे कि भाई मेरे यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमी कमजोर है, मैं आपके यहाँ पे कोई चीज फेंकूं, आप वहाँ पर पैसे नहीं ले रहे हैं, टैक्स कम लगे, आप यहाँ सस्ता जा रहा है, ज़्यादा बिकेगा, आपके यहाँ एक बाजार है, तो मैं अपने उत्पाद को ले जाऊँगा। आर्थिक संबंध संबंधों को अच्छा करते हैं। राजनीतिक संबंध से भी बड़े संबंध होते हैं आर्थिक संबंध किसी भी देश के। तो मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाता है। आज देख रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में तनाव की स्थिति क्यों बन रही है, आर्थिक संबंधों को लेकर। बाकी तो सब ओके, लेकिन भारत इतना ज़्यादा टैक्स लेता है उनके उत्पादों पर, आज अमेरिका कुछ भी बोल रहा है। तो आर्थिक मुक्त व्यापार समझौता बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। भारत को तो अमेरिका बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन उन्हें आज भारत प्यारा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि भारत उनके उत्पादों पर टैक्स लगाता है। तो ये दूरियां बढ़ाता है। अब दूरियां बढ़ जाएंगी थोड़ी सी, है ना, या तो भारत निगोशिएट करेगा। तो ये ऐसे ही समझिए, सिंपल और आसान भाषा में, ये कारण बनेगा आर्थिक मंदी आगे जाकर के द्वितीय विश्व। ये क्या करेगा, तनाव और बढ़ा देगा। आज अमेरिका यदि हमारे देश के उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दे, थोड़ा तनाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अविश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हमारे उत्पाद थोड़ा कम होंगे, इकोनॉमी हमारी थोड़ी डाउन हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, निर्यात कम हो जाएगा, तो थोड़ा दोनों देशों के बीच में थोड़ा इफेक्ट आएगा। और वो चूंकि युद्ध का काल था, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, आर्थिक मंदी का दौर था, आयात निर्यात खत्म हो चुका था, ठप हो गया था, तरीका मुक्त व्यापार ही था जो आयात निर्यात को बनाए रखता, आपने क्या किया, संरक्षणवाद कर दिया, अपनी इकोनॉमी में टैक्स बढ़ा दिया और तनाव बढ़ गया, परिणाम तो द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दे दिया, ठीक है। तो आर्थिक मंदी क्या है ये समझ गए, आर्थिक मंदी ने किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया ये भी समझ गए, दोनों विषय समझ गए। चलो अब लिख भी लो, इसको लिख लीजिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने विभिन्न देशों को मजबूर कर दिया कि वे अपने आयात निर्यात की मुक्त व्यापार की व्यवस्था से, आयात निर्यात की मुक्त व्यापार की व्यवस्था से अपना हाथ खींच लें व्यवस्था से अपना हाथ खींच लें, इस प्रकार के बाधित व्यापार से, इस प्रकार के व्यापक बाधित व्यापार से उत्पादक देशों की आर्थिक स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। वैसे गंभीर दोनों की होगी, लेकिन उत्पादक ज़्यादा फंसता है, जिसने माल बना के डंप कर लिया है, उसका माल नहीं बिक रहा है, तो वो ज़्यादा परेशान होता है। बाकी जो देश, वो किसी तरीके से, जो जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो किस तरह से अपनी मदद कर लेगा, नहीं करेगा, उन चीज़ों का उपभोग नहीं करेगा। नहीं है आज मोटरसाइकिल तो कल पैदल भी चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन जिसने उत्पादन बढ़ा रखा है वो परेशान हो जाता है। और उत्पादक देश वो थे जो समृद्धशाली थे, जिनके पास पूंजी थी, अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, समृद्धशाली देश, ठीक है। तो उत्पादक देश को क्या किया, उनकी आर्थिक स्थिति को गंभीर कर दिया। नेक्स्ट, आगे, इन देशों की जनता में यह मानसिकता घर कर गई कि जनता को क्या फील होगा, जनता को क्या फील होगा, यदि मान लो अमेरिका भी हमारे उसमें ड्यूटी बढ़ा दे तो हमें क्या फील होगा, जैसे वो गलत नहीं कर रहा, हमें क्या फील होगा, हैं, क्या
अहित कर रहा है या फिर हमारे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है, अच्छा खासा हमारा जो काम चल रहा था वो अपने देश के लिए सही है, लेकिन जनता को ये फील होने लगा कि हमें जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है इस बुरे वक्त में। अपने यहाँ पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहे हो आप, इसका मतलब आप हमें प्रताड़ित करने का काम कर रहे हो। मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी उग्र राष्ट्रवाद के विकास में कि आर्थिक मंदी ने उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ाने में भूमिका निभाई, ये कार ये लाइन वहाँ पे जुड़ जाती है, लिंक हो जाती है, ठीक है। जनता को कैसे उग्र, जनता और उग्र हो गई जैसे ही आयात कस्टम ड्यूटी बढ़ी कहीं की भी, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, इस बात को, जनता में मानसिकता घर कर गई कि दूसरे देश जानबूझकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, कि दूसरे देश जानबूझकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे में संदेह का वातावरण बनना स्वाभाविक ही था, ऐसे में संदेह का वातावरण बनना स्वाभाविक ही था। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बदलता हुआ शक्ति संतुलन। बदलता हुआ शक्ति संतुलन, ये सब समझते हैं शक्ति संतुलन क्या होता है। सर ने बहुध्रुवीयता पढ़ाई आप लोगों को, है ना, एक ध्रुवीय विश्व, द्विध्रुवीय विश्व, बहुध्रुवीय विश्व। आज विश्व एक ध्रुवीय है कि बहुध्रुवीय है? आज बहुध्रुवीय है ना। एक ध्रुवीय मतलब एक ही शक्ति है, उसी के चारों तरफ पूरा विश्व घूम रहा है, जो कि 1991 के बाद देखने को मिला। लेकिन बाद में धीरे धीरे 1990 के दशक से ही प्रारंभ हो गई थी बहुध्रुवीयता बड़े स्तर पर। क्यों? सार्क बन गया, ब्रिक्स बन गया, है ना, G7 बन गया। G7 भी वैसे एक ध्रुवीयता का ही प्रतीक है, ठीक है। गुट निरपेक्षता बन गया, 50 ऐसी संस्थाएं आ गई। आज चाइना बन रहा है तो अमेरिका भी खड़ा है, तो दूसरे अब चाइना है बड़ी इकोनॉमी के रूप में, रशिया भी एक इकोनॉमी है, ब्रिटेन और फ्रांस भी एक इकोनॉमी है, है ना। यूनाइटेड नेशन अलग आप अपने आप में एक ध्रुवी वो बना हुआ है यूनाइटेड नेशन के पक्ष में। गुट निरपेक्षता बताया गया होगा कि यूनाइटेड नेशन के बाद एक दूसरा बहुत बड़ा अफ्रीकी संघ एक अलग बन गया। ऐसे करके बहुत सारी संस्थाएं उद्भव में आ चुकी हैं कि यदि किसी भी संस्था के साथ कुछ होता है तो दूसरी संस्थाएं आ करके उसे सपोर्ट कर देंगी। पहले विश्व द्विध्रुवीय से एक ध्रुवीय बना, पहले ये चेंज होता रहता है, बैलेंस ऑफ पावर हमेशा चेंज होती रही है, कभी किसी के पास, फिर कभी किसी के पास, फिर कभी किसी के पास, फिर कभी किसी के पास, ठीक है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत ये चेंज होता रहा है, बहुत सारे तरीके होते हैं यूरोप में। अब यूरोप ने क्यों यूरोपीय यूनियन बनाई, अच्छा बताओ, यूरोप ने क्यों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय यूनियन बनाई, इस प्रतिस्पर्धा, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा से बचा जा सके। हम एक दूसरे की अपनी अर्थव्यवस्था, वहां पर कुछ नहीं है, कोई वीजा नहीं, कुछ नहीं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़े पहली चीज, दूसरी चीज आयात निर्यात बड़े स्तर पर हो, चूंकि पूरी फ्री ट्रेड पॉलिसी है वहां पर, एक ही एक बना दिया पूरे यूरोप को यूरोपीय यूनियन ने, एक मुद्रा, है ना, एक संसद, एक भाषा, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। आज ब्रिटेन जो ब्रेग्जिट कर रहा है वो कहीं ना कहीं पे अपने आप को फिर से एक विश्व शक्ति में उभारना चाहता है। ब्रेग्जिट अच्छी चीज नहीं है यदि देखा जाए तो यूरोप के लिए, क्योंकि यूरोप हमेशा दहलता रहा है, इसीलिए बड़ा विरोध भी हुआ उस चीज का। ग्रीस संकट, वहां पे क्या हो रहा है, किसी इकोनॉमी को प्रॉब्लम हुआ उसको तुरंत सपोर्ट कर देती हैं संस्थाएं, समझ रहे हैं। तो यूरोपीय यूनियन आगे बनेगा, ये सब यही सब दिखाई देगा, इन सब चीजों से सीखेगा यूरोप पूरा, ठीक है। तो शक्ति संतुलन चेंज हुआ, कैसे शक्ति संतुलन चेंज हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ देश पराजित हुए, कुछ जीते, है ना। पराजित देशों ने, अब जैसे साम्यवाद एक विचारधारा वो पनप रही थी क्योंकि रशियन क्रांति हो चुकी थी, उस क्रांति को दबाने के लिए कुछ देश उसके खिलाफ हो गए, वो एक ग्रुप इधर बनने लगा, एक ग्रुप बनने लगा अपने हितों को बनाने के लिए। मित्र राष्ट्रों का ग्रुप देखा जाए तो काफी हद तक कमजोर ही था, लेकिन धुरी राष्ट्र बड़े मजबूत बनकर के निकले। जर्मनी, इटली, जापान ने एक ग्रुप बनाया, अपना एक ग्रुप बना लिया, शक्ति संतुलन इनके पक्ष में आ गया। इधर मित्र राष्ट्रों ने धीरे धीरे एलाइड होते चले गए और मित्र राष्ट्र बन गए, ठीक है। अमेरिका अलग अपनी शक्ति के रूप में उभर रहा था, तो यहां पर क्या शक्ति संतुलन टोटली चेंज हुआ,
हिटलर को ये लगने लगा कि इस समय विश्व में हम बहुत आगे हैं, बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर गए हैं, एशिया की बड़ी शक्ति जापान उनके साथ है, यूरोप की दो महाशक्तियां दोनों एक साथ हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से शक्ति संतुलन के बदलाव ने भी द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। लिखिए इसमें, लिखिए राष्ट्र संघ की असफलता, आर्थिक मंदी तथा विशिष्ट स्वार्थों ने पुनः यूरोपीय देशों के मध्य द्विपक्षीय गुटों के उदय को प्रोत्साहित किया। द्विपक्षीय गुटों को उदय को प्रोत्साहित किया, ठीक है। जिसके अंतर्गत जर्मनी के नेतृत्व में एक गुट तथा ब्रिटेन के नेतृत्व में दूसरे गुट का निर्माण हुआ। ब्रिटेन के नेतृत्व में दूसरे गुट का निर्माण हुआ जिसमें अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु अन्य देश भी सम्मिलित हो गए कितने कारण लिख लिए द्वितीय विश्व युद्ध के? सातवां कारण लिखे, तत्कालिक कारण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूर्त हेतु गुटों में शामिल हो गए अन्य देश, जापान इधर आ गया, इटली इधर आ गया, फ्रांस इधर चला गया, अपने अपने हितों की पूर्ति हेतु शामिल हुए। नेक्स्ट हेडिंग है तत्कालिक कारण, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ये क्यों हुआ। हाँ, लिखे, उपरोक्त सभी कारकों ने मिलकर यूरोप को बारूद के ढेर में बिठा दिया। तो बारूद के ढेर में क्या चाहिए? बस वही लगानी बाकी थी। उपरोक्त कारकों ने मिलकर संपूर्ण यूरोप को बारूद के ढेर पर बैठा दिया। बस एक चिंगारी निकलने की देर थी, जिसमें सब कुछ भस्म हो जाना था। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर बारूद को आग दिखाने का काम किया। वस्तुतः जर्मनी की तीव्र प्रसारवादी नीति को रोकने में असमर्थ यूरोप के अन्य देश अंततः पोलैंड के मुद्दे पर कठोर रुख अख्तियार कर चुके थे।
पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण का भय इसलिए था कि पोलैंड के जर्मनी के बीचों बीच समुद्र तक पहुंचने का गलियारा वर्साय की संधि में प्रदान किया गया था इस गलियारे का निर्माण इस प्रकार किया गया था ताकि जर्मनी को दो भागों में विभाजित किया जा सके। जर्मनी के लिए इसे अपमानजनक मानता था। हिटलर कहाँ पोलैंडी में है अभी? पोलैंड से वापस आइए, वहाँ पे आक्रमण का खतरा है ना? हाँ हिटलर, हाँ हिटलर जर्मनी के लिए इसे अपमानजनक मानता था तथा वह पोलैंड को मिलाकर पोलैंड पर युद्ध कर ये लिखे वह पोलैंड पर युद्ध कर इस गलियारे को जर्मनी में मिलाना चाहता था। वहीं इससे पहले हिटलर ने ऑस्ट्रिया चेकोस्लाविया सुडटेनलैंड बोहेमिया इन क्षेत्रों को जीत चुका था वो पहले ही, बोहेमिया इत्यादि क्षेत्रों पर इत्यादि क्षेत्रों को जर्मन प्रभाव पर ले चुका था। उसका अगला लक्ष्य पोलैंड ही था। वस्तुतः यूरोपीय देश पोलैंड की सुरक्षा हेतु वचनबद्ध थे इस प्रकार जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण ने उन सभी देशों को युद्ध में खींच लिया जिन्होंने पोलैंड से संधि कर रखी थी। अच्छा प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच में क्यों हुआ था, शुरुआत कैसे हुई थी? ऑस्ट्रिया
और सर्बिया के बीच में तनाव चालू हुआ था, यहाँ पर जर्मनी और पोलैंड के बीच में चालू हुआ, ठीक है। उन सभी को युद्ध में खींच लिया जो पोलैंड से संधि कर चुके थे। फिर क्या होगा, फिर तो 6 साल लगातार देखना ही है ना। इसमें दो प्रतिद्वंदी सैनिक गुटों का राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर लिखिए, सैनिक गुटों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 वर्ष तक एक सार्वत्रिक युद्ध हुआ। गुटों का एक सार्वत्रिक युद्ध हुआ जिसमें व्यापक जनहानि हुई, लगभग 5 करोड़ लोग हताहत हुए, खर्च हो गए, है ना, 5 करोड़ लोग हताहत हुए। इसके पहले गुट में मित्र गुट, कुछ ऐसे लिख लीजिए नीचे, मित्र गुट में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ठीक है। दूसरा है धुरी गुट, पहले है मित्र गुट, दूसरा है धुरी गुट, रोम, बर्लिन और टोक्यो, यानी कि जर्मनी, इटली और जापान, बाकी तो इंटू पिंटू सिंटू सब थे। हाँ, अमेरिका आ गया था 1942 से, एंट्री ले चुका था पर्ल हार्बर पर। हाँ बिल्कुल, पहले रूस था, रूस भी मित्र राष्ट्रों में था, लेकिन रूस भी काफ़ी समय तक, ठीक है। चलो, ये हो गया, आपके 2 गुट थे मुख्य रूप से, ठीक है। इसके बाद अब हुआ कैसे, अब ये पूरी कहानी, युद्ध कैसे चला, ये सब चला, ये इसके लिए डॉक्यूमेंट्री है, देख लीजिएगा, उसमें बस लड़ाई झगड़े, हिटलर दिखाया गया, वो देखते रहेगा, ठीक है। हिटलर सिर्फ ऐसे करता था एक बार, ठीक है, ऐसे कर देता था बस, सैनिक सब बोलते थे बस चलो निपटने। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए, द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणाम,